नेताजी तशरीफ ला रहे हैं। कलेक्टर साहब की सवारी भी आ रही है। आदाब 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 तशरीफ रखें। अरे मैं यही इसलिए खड़े हैं, आप कोई अलहदा थोड़े, तशरीफ रखें भाई, शुरू करें। हमारे जिला सहारनपुर में रेलवे स्टेशन की मांग है और कॉलेज की मांग है, हमारे एमएलए साहब ने दबाव डालकर इन मांगों को मंजूरी दिलवाई है। हम पहुंचे तो सिर्फ 8 लोगों ने इज्जत बख्शी, इनके आते ही सभी ताजिम के लिए खड़े हो गए। उसका चयन रेलवे का महकमा खुद करेगा। अगर आप लोग जगह देने के लिए तैयार हैं, तभी हम आगे की कार्रवाई को पूरा करवा सकते हैं। हमारे गांव में रेलवे स्टेशन की तामीर हो रही है, तो उसके लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो परेशानी क्या है, नए स्टेशन की बुनियाद हम जल्द ही रख देते हैं। बोलिए जनाब, आप खामोश क्यों हैं? ये बात हमारी समझ से बाहर है कि अब यहाँ रेलवे स्टेशन की क्या जरूरत है, आखिर जगह की दरकार किस लिए? हमारे गांव से स्टेशन 18 किलोमीटर पर मौजूद है। अगर स्टेशन जरूरी ही है तो 9 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाए, ये छोड़कर 3 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी इस गांव में। भाईजान, वहाँ एक मिल है, वहाँ 300 लोग काम करते हैं, उनके पास जाने के लिए साइकिल और बाइक है। अब वो तो बजा फरमाया। नेताजी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे किस मुंह से जवाब देंगे, तेजस्वर भाई की एक आवाज पर 50,000 वोट हासिल होते हैं। भाईजान, गांव में हमारे पास कुछ जमीनें हैं, कुछ दुकानें हैं, बच्चों की तालीम और शादी के लिए मदरसे भी हैं। इसका मतलब है तुम जरूरतमंद नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, पार्टी चाहे जो, तुम्हारी इंतखाब की फतह हमारे जिम्मे, पर तुमने कुछ भी गलत किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहे भाईजान, सुंदरपुर में कॉलेज है, 3 स्कूल है, 3 फैक्ट्रियां हैं, वहाँ 7,000 लोग मशक्कत करते हैं, वहाँ स्टेशन बनाना सही रहेगा। आपने जो फरमाया बिल्कुल ठीक फरमाया। हमारे एमएलए साहब ने स्टेशन के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की है। अगर हमारे गांव में स्टेशन नहीं बना तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। कर रहे हो क्या, तुम्हें एक गांव से दूसरे गांव नहीं जाना? जहर का बीज क्यों बो रहे हो? ख्याल रखो ये आवाम है। नेताजी इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मामला बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे निपटा जाए। कानूनी तौर पर आपको हर चीज की इजाजत है, बाकी बदमाशों से हम निपट लेंगे, क्यों राजेश्वर? जो हुक्म भाईजान। उस नए मदरसे की तामीर में कितना खर्च आएगा? अब उसका टेंडर अभी निकला है। ओ ठीक है, चलो। आपका नाम नहीं के बराबर लग रहा है। हे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मूछे सिर्फ नाम के लिए है, चप्पल से मारूंगा, ये इसी लायक है। हे, तुम लोग भी मारो इसे। भाई हमारी चप्पल तो बाहर है। हे, तो जाकर ले आओ। मारो इसे। एमएलए होते हुए भी इतनी गुलामी धिक्कार है, इससे तो अच्छा है परचून की दुकान खोल ले। हे 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 हे, तुम लोग मेरी तस्वीर पर चप्पल मारोगे? आपने ही तो हुक्म दिया था। तो क्या तुम लोग इतने वफादार हो मेरे? मैं किसी को मारने के लिए कहूंगा तो मार दोगे? जीते हुए 2 साल हो चुके हैं, एक ढेला भी नहीं कमा पाए, उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ता है, हर किसी काम के लिए अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं मुझे। करीब के गांव के एमएलए को देखो, जीते हुए उसे सिर्फ 6 महीने हुए और आते ही ऑडी कार खरीद ली। उसने ऑडी खरीदी है, हम बॉडी खरीदेंगे क्या? उसने जून में ली, हम जुलाई में ले लेंगे। इन्हें ऑडी और महीने का फर्क नहीं पता, ऐसे लोगों के साथ हमारी तरक्की खाक होगी। अजी सुनिए, हमने सुना है वहाँ रेलवे स्टेशन बनने वाला है, अगर मेरी बहन के गाँव में वाकई रेलवे स्टेशन बन गया तो आने जाने में काफी सहूलियत हो जाएगी ना? बहुत खूब। हमारी मुश्किल है कि हमारी गाय चारा हमारा खाती और दूध पड़ोस में देती है, और तुम्हें फिक्र है कि दूध पड़ोस में देती है तो गोबर कहाँ दे रही होगी? भाग यहाँ से। भाईजान, हमने स्टेशन की बुनियाद रखने के लिए मिल मालिक से 10 लाख लिए। उसकी फिक्र ना करो, जिस स्टेशन की बुनियाद हमारे गाँव में नहीं रखी जाएगी वो कहीं नहीं होगी। आप ही बताएं क्या किया जाए। शिव गंगा के सारे रेलवे ट्रैक पर बॉम्ब बिछा दो, रेलवे मिनिस्टर को आगाह करो, अगर वहां रेलवे स्टेशन बना तो बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, तब वो घबरा कर फाइल ही बंद कर देगा। श्याम, रेलवे पटरी पे बॉम्ब फट गया है। ट्रेन कब तक आएगी? श्याम, ट्रेन तो कभी भी आ सकती है यार। तुम जल्दी से भीड़ को वहां से हटाओ। हाँ ठीक है। और तुम ये लेकर लहराओ। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, जो कहा है वो जल्दी करो। अरे गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है।
अरे ये तो कोई नौजवान लाल कपड़ा लेकर हमारी तरफ दौड़ रहा है। गाड़ी रोकिए, रिक्शा रोकिए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोके, गाड़ी रोको। गांव के 10 आदमियों की हिरासत में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है, अब क्या किया जाए? हमारे गांव के लोगों से पुलिस तहकीकात कर रही है। तुम्हारी करतूत है या तुम्हारे गांव वालों की? उस रोज मीटिंग में जब मुखालफत हुई थी तभी समझ लेना चाहिए था। किसने किया, किसके कहने पर किया? क्या जब तक नहीं बताओगे कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा? जनाब हमने नहीं किया, जनाब हमारा कोई हाथ नहीं है। शिव गंगा से लेकर आसपास के सभी गाँव में पता लगाओ, यहाँ से गुजरने वाली सभी बसों और सारे बस स्टॉप पर चील की नजर रखो। अबू बाबा आदम के जमाने में जी रहे हैं, ये सब सेलफोन आने से पहले की तरकीबें हैं। आजकल गेम बजाकर लोग सेटिंग से आराम से बच जाते हैं, जंगल इनका असल ठिकाना होता है। ये मेरा शक नहीं है लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ कि ये लोग वहीं कहीं मिलेंगे। पुलिस वहाँ का चप्पा चप्पा छान रही श्याम। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई होगी कि बॉम्ब कितने किलो का था, देसी था या विदेशी, कितने तार थे, कितना बारूद था, कहां से फेंका गया होगा, वो टाइम बॉम्ब था या रिमोट बॉम्ब था। बस ये सब पता लगाते लगाते उन्हें रात हो जाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उनसे पहले ही पता लगा लें। सुनो बाइक को पत्तों से छुपा देते हैं, जल्दी करो, कोई नजर आ जाए तो अनजान बन जाए, कॉल करे। जी बेहतर। लेकिन बात ना करे, कोई तुम्हें देख ले तो मेरी तरफ बढ़ जाना। जी बेहतर। ठीक है, जाओ। हाँ बेहतर है। भाईजान उन्हें हैंडल सीधा करने में दिलचस्पी क्यों है? देखो ये एक बीमारी है, जहाँ साइकिल का हैंडल टेढ़ा दिखता है उसे सीधा करने चले जाते हैं। इसमें दो काम निपट जाते हैं, एक तो हैंडल सीधा हो जाता है, दूसरे उनकी खुजली मिट जाती है। हाँ, हमारे दो अंडे कौन देगा? क्या बाजी, आपको दो अंडों की पड़ी है? यहाँ तो जिसका नुकसान होता है दर्द भी उसी को होता है। सुनो गणेश, 10 साइकिल किराए पर चाहिए। किराए पे? लेकिन क्यों? पड़ोस के गांव वालों को सबक सिखाना है इसलिए। लेकिन बाइक पे जा सकते हैं ना? अरे बाइक अगर रास्ते में बिगड़ गई तो उसे ढो तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन साइकिल को तो ढो सकते हैं। हाँ। क्या बात है मेरे दोस्त, हमारी साइकिल ले जाए और किराए यहाँ से सारे चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, और उन पर हमला करना। ठीक है, सचिव ताश खेल रहे हो ना? ठहर जाएं, अभी बताते हैं, अभी तुम लोगों को बताते हैं। पड़ोसी गांव के लोगों ने हमला कर दिया है, जल्दी आए।
चलो अरे अरे अमन मेरी साइकिल अरे अरे सुनो मेरी साइकिल मेरी साइकिल छोड़ के कहाँ जा रहे हो ध्यान से सुने गांव को चारों तरफ से घेर ले कोई बाहर निकलने ना पाए अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो भाई मेरी सारी साइकिलें टूट जाएंगी वो सारे लड़के अपनी अपनी साइकिलें लेने जरूर आएंगे सभी लोग यहाँ डेरा डाल दें अब्बू से बहुत मिन्नतें करके दुकान खुलवाई थी तुमने सब बर्बाद कर दिया चुप कर तुझे तेरी साइकिल चाहिए ना बोलो भाईजान फॉर्मूला 43 ठीक है भाईजान बस देखते जाना अरे किसी ने हमारे खलिहानों में आग लगा दी भैया उपाय तो बहुत अच्छा था साइकिल लेके भागते हैं तुम लोग शिव मंदिर के लिए निकले तो माता के मंदिर में कैसे पहुंचे मंदिर में आने वाले भक्तों को मारने का मंसूबा बना रहे थे आज के बाद तुम्हारे रिश्तेदार या गांव वाले यहाँ नजर ना आए जनाब ट्रेवल एजेंट इंतजार कर रहा है हाँ घर में सब खैरियत है ना सब आपकी दुआ है अम्मी तशरीफ लाइए अरे जरा श्याम को बुलाओ अब तो मुझे ही संभालना पड़ेगा बेटा श्याम तेरे अब्बू बाहर गए हैं जल्दी आकर खाना खा ले अभी आता हूँ अम्मी जान वैसे भी देर हो रही है सारी माएं अपने बेटों का ही साथ देती हैं और एक हमारी अम्मी है जिन्हें सिर्फ अब्बू ही नजर आते हैं कितने रोज तक छिपता रहेगा बेटा बेटे इस पर 7 तस्वीरें लगाकर दस्तखत कर दे आपने मेरे लिए कोई जमीन देखी है क्या नहीं बेटा ये आपके पासपोर्ट का फॉर्म है क्योंकि आप मुलाजमत के लिए सात समंदर पार जाना चाहते हैं ना अब क्या हमारे पोते को भी बाहर गांव भेजोगे जान अब्बू आपको फंसाना चाहते हैं फंसिएगा खामोश ये मस्कत दुबई सिंगापुर कहीं भी जाए जब तक ये मेहनत करके पैसे नहीं कमाएगा ना इसे पैसों की कदर नहीं होगी इसे पैसे कमाने बाहर जाना ही होगा इसे क्या हो गया ये मुझ पर क्यों बरस रहा है क्योंकि आप शाम को विदेश भेजना चाहते हैं ना ये बात इसे पसंद नहीं आई अब ऐसी तो क्या बात होगी कि इसे विदेश भेज रहे हैं कोई किसी की लुंगी खींच ले तो ये उसके गांव जाकर उसकी पैंट उतारेगा तो उन्हें पड़ोस के गांव में क्या गुल खिलाया है उस दिन पटरी पर जिन्होंने बम लगाया था उन्हें आपके आदमी तो पकड़ नहीं पाए उनको मेरे बेटे ने सबक सिखाया यही ये बात तो गलत है हमने जानबूझकर गलत रास्ते पर लोग भेजे थे ताकि ये पता लगा सकें कि किसने ऐसी घिनौनी चाल चली थी और बेटे उस इंसान का हम पर्दाफाश करना चाहते थे लेकिन तुम उन्हें खुद ही पकड़ कर ले आए अब हमें ये पता नहीं चला कि उनके पीछे किसका हाथ था इसीलिए जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए आई बात समझ में मैं जाऊंगा लेकिन लेकिन बाहर गांव नहीं जाऊंगा हैदराबाद में हमारे दोस्त के मामू के जमीनों का कारोबार है हम वो सीखेंगे वही करेंगे कोई जरूरत नहीं है तू वहां से आधे घंटे में आ जाएगा जी नहीं अब्बू जब तक आपका हुक्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा जनाब उस पासपोर्ट का क्या किया जाए बनवा दीजिए कभी तो काम में आएगा क्या बात है श्याम अब्बू अपनी जगह सही है दरअसल मैंने ही उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया लगता है मेहनत करके ही अक्ल नसीब हो सकती है मुझे किसी से झगड़ा मत करना बेटा आप फिक्र ना करिए अम्मी जान खाना खा लेना बेटा लक्ष्मी अम्मा का ख्याल रखना ठीक है चलता हूँ अम्मी अपना ख्याल रखना चलिए भाईजान चलिए कार में चलते हैं नहीं नहीं मैं बाइक से जा रहा हूँ लेकिन ये मुमकिन नहीं है भाईजान आपके लिए तो सारी गाड़ियाँ तैयार खड़ी हैं मैं हैदराबाद किसी अवामी जलसे के लिए नहीं जा रहा हूँ कहीं का वजीर नहीं हूँ जो मैं जहाज से जाऊँ या कार से जाऊँ क्या फर्क पड़ता है मैं तो अपनी बाइक से ही जाऊँगा देखिए बाइक भी तैयार है आप हैदराबाद तक बाइक से जाएंगे बाइक बस पर चढ़ाऊंगा और बस में मैं बैठ जाऊंगा भाईजान आप किसके कहने पे गांव छोड़ के जा रहे हैं हम मालिक से बात किए बिना तुम्हें नहीं जाने देंगे मत हो यार नहीं जाने देंगे अरे बस भी करिए इसे मारने वाली कौन सी बात थी लेकिन तू प्यार से कहां समझता है इसलिए मारा भाई गणेश इसीलिए कहा जाता है कि जाने वाले को रोकते नहीं है उसे रोक कर तुमने मुसीबत ले ली ना आप कुछ कह रहे हैं क्या जी नहीं मुझे मुंह हिलाना अच्छा लगता है हिला रहा हूं उसके जाने से तुम उससे नाराज हो हमारे एक ही तो बेटा है उसे दूर भेजकर आपने गलत तो किया ना देखो हम रोज दरबार लगाते हैं उसमें कुछ लोग खामोश रहते हैं लेकिन कुछ लोग मुझसे दिल में गुरेज करते हैं हमसे बदला लेने के लिए वो हमारे बेटे को कुछ न कर दे हमारा बेटा महफूज रहे इसीलिए उसे भेज दिया अगर उसे कुछ हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अजय सुनते हैं वो इस मछली के 200 रुपए मांग रहा है जी बेहतर है दे दो हाँ? ए मेरे मालिक मेरी इससे हिफाजत करना हाँ? शुक्रिया मालिक का चलते हैं मामू जान ठीक है बेटी जाकर आओ बेटी जाते हुए बच्चों को छोड़ देना तुम्हारे नोट्स के ज़ेरॉक्स हमें दे दोगी? जरूर दे दूंगी फिलहाल देर हो रही है पहले चलते हाँ हाँ जल्दी चलें चलो
संभाल कर उतारना भाई, किसी का नुकसान ना हो जाए। अरे श्याम पहुंच गए। अरे वासु कैसे हो भाई, सब खैरियत तो है? हाँ सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मेरी बाइक की बोरी जरा खोल दो। हाँ अभी खोलता हूँ। अरे सुनो तुम राधा हो ना? हाँ? मैं श्याम, भूल गई हम बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तुम पांचवी और मैं सातवीं में था, याद है? माफी चाहेंगे, हमें कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? बनो मत, तुम राधा ही हो ना? ए हम क्यों बनेंगे, हम कोई राधा वाधा नहीं है। क्या हुआ दोस्त, मेरे बाइक लेकर आने तक तुम बस में सवार हो गए? कुछ नहीं यार, मेरे स्कूल में मेरे साथ एक लड़की थी राधा नाम की, वो बस में थी, मैंने उसे पूछा तो साफ इनकार कर दिया। खैर ये सब छोड़ो, मंजू भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारे चाचा है ना। अब बैठना यार, रिश्ते बाद में जोड़ते रहना। दुकानें आज भी वैसी है। कैसे हो दोस्त? भाई कैसे हो? अच्छा हूं, सब अच्छा है ना? तुम लोग कैसे हो भाई? सब खैरियत, एकदम ठीक। अच्छा चाचा जी कैसे हैं आप? क्या हुआ चाचा जान? अंदर चलो बताता हूँ। अरे जनाब कुछ बताएंगे भी? सुनो आज के बाद चाचा मत कहना। क्यों? भाईजान कहना मुझे। अरे चाचा क्या हो गया आपको? पहले सोनू चाचा कहता था, अब ये चाचा कहने लगा। थोड़ी देर में पता नहीं और क्या कहेगा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, तुम नौकर, याद रहे मालिक बेअदब होते हैं नौकर बेजुबा। तुम नौकर हो इसलिए तो मालिक कहो या भाईजान। तो चाची जान को भाभी जान बोलूं? खामोश रहो, ज्यादा जुबान मत चलाओ, दूसरों के सामने अदब से पेश आया। क्या बात है, ये लीजिए भैया। बेवकूफ, चाचा को भैया बोलता है, अकल घास चरने गई है? अब ये जो बोलेंगे वही तो बुलाना पड़ेगा ना। अरे आपका दिमाग खराब हो चुका है। मामा हो या चाचा, हम जो भी है जैसे भी, शहर में हमारी एक इज्जत है। पहले तुम जाओ, इसके साथ काम सीखो, फिर आओ। चलो यार। अब एहसास हो रहा है कि गांव में छोटे बच्चों के साथ बैठकर नशा करना कितना महंगा साबित हो रहा है। हे ध्यान से मुझे ना कटे। तेजस्वर जी ने आपको स्कूल के हिसाब के साथ हाजिर होने के लिए कहा है, फौरन हाजिर होने के लिए कहा है। अरे ऐसे ही चलते क्या? आ रहे आ रहे। 35 लाख रुपए में ये टेंडर होके हुआ है भाईजान। ये तो बहुत ज्यादा है भाई। क्यों लक्ष्मण? जनाब हमारे शिवा ने जो घर बनाया था उस पर कितना खर्च आया? 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाने के लिए उस वक्त उन्होंने 10 लाख बताया था। मतलब ये है कि 2000 स्क्वायर फीट के लिए 20 लाख रुपए में मकान तामीर होनी चाहिए और उसे सजाना भी है, लेकिन वो खर्च इसमें नजर नहीं आ रहा। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी है। अरे क्या बड़ी कंपनी, सोने का दरवाजा लगा कर देंगे क्या? उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अपने विजय सिंह से बनवा लेंगे। ऐसा करने से वो कोर्ट चला जाएगा भाईजान। कोर्ट में जाएगा तो कभी तो बाहर आएगा, उसके वहीं टुकड़े करवा देंगे। उस कॉन्ट्रैक्टर को भेजो। जी भाईजान। मुझे शक है कि ये वाकई नेक इंसान है या दिखावा कर रहा है, इस पर नजर रखो। लालत है इसी जिंदगी पर, लो ये भी रख लो। इस घर से लेकर उसके घर तक सब कुछ उन्हें पता होता है। 50,000 लोगों को वो बस हाथ दिखाकर चला गया था, लेकिन उनके सामने मीटिंग में गला फाड़ फाड़ कर चीखने वाले, वोट मांगने वाले हम थे। उन लोगों के झोपड़ी में गंदा पानी पीकर और बासी खाना खाकर फिर घर आकर मुंह में उंगली डालकर उल्टी करने वाले वो नहीं, हम थे। अरे रे ऐसी जिंदगी पर लानत है। उसको तो खत्म कर देंगे भैया। मार दोगे? हाँ 5 लाख मिलेंगे, बाहर जो गाड़ी खड़ी है वो भी दे देंगे। जाओ मार दो। मैं क्यों, निकल गई हेकड़ी, लानत है हम पर। थू, गांव में हथियार चलाने से ज्यादा चापलूस लोग भरे हुए हैं। बहुत चीले होलामी वाली जिंदगी, अब हमें आजाद होना ही होगा। तेजस्वर जब उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलेगा तो उसे मारने की धमकी जरूर देगा। इसी का फायदा उठाकर हम अल्फोंसो की मदद से उसे खत्म कर देंगे और इल्जाम तेजस्वर पर डाल देंगे। अभी वो ये काम नहीं करते हैं। क्या? जब से उनके बेटे का इंतकाल हुआ वो बहुत टूट गए हैं। बेटे के गुजर जाने पर इतना दर्द है? बिल्कुल, बेटे का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। 20 साल पहले तेजस्वर अपने वालिद की मैयत पर रोया होगा, उसके बाद उनके घर से कोई जनाजा नहीं उठाना, इसीलिए इतना उड़ रहा है। अगर उसे तोड़ना है तो उसके बेटे को मौत के घाट उतारना होगा। उसका बेटा अब यहाँ नहीं रहता, वो मुलाजमत के लिए हैदराबाद गया हुआ। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? हैदराबाद में अपने अन्ना को फोन लगा। क्या बात है, नेताजी का फोन आ रहा है। क्या हाल है अन्ना? कहिए जनाब, याद कैसे किया? फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। हे, अपने सुलेमान को बुलाएं। लड़के का नाम श्याम है, हाल ही में आरके रियल एस्टेट में काम पर लगा है। तुम्हारा उससे कोई पुराना पंगा था इसलिए तुमने उसे मारा, ऐसा रिकॉर्ड में आना चाहिए। ये कत्ल या साजिश का मंसूबा नहीं लगना चाहिए, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। इत्मीनान से तुम अपने तरीके से काम करो। ठीक है भाई। ये पैसों की खातिर नहीं, इज्जत की खातिर कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या कहा बिना पैसे के? कौन है ये? MLA राजेश्वर, यहाँ सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, कभी भी वजीर आला बन सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी। सुनो,
शाम को ले जाकर हुसैनपुर का पूरा लेआउट दिखा दो। जी भाईजान। कुमार, एयरपोर्ट के करीब 4-5 प्लॉट है जिसे देखने के लिए मलेशिया से क्लाइंट्स आ रहे हैं। ए, मुकामी लोगों से मुलाकात मत करो, काम खराब कर देते हैं। एयरपोर्ट के करीब प्लॉट खरीदा है, हैदराबाद एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए करीबी जमीन सरकार लेने वाली है। अरे क्या बात कर रहे हो, कुछ कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पास स्टे ऑर्डर है। यार वो देख, उस रोज मैंने बताया था ना, मैंने एक लड़की देखी थी, शायद वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। उसने कहा था ना कि वो तुम्हें नहीं जानती। आज भी खैरात का अंदाज बदला नहीं है। खैरात मांगने वाले नए नए तरीके निकालते हैं, लेकिन खैराती का अंदाज वही रहता है। मैं भी वही कह रहा हूँ ना बेवकूफ। ले अरे भाई जान, अरे आखिर पहुंच ही गया तू। जब से आपने गांव छोड़ा है मानो गांव में अकाल पड़ गया है। आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा हम भी यहाँ आपके पास ही चले आते हैं। इसीलिए गुसल करके चला आया। अच्छा, साइकिल की कंपनी है तो सोचा साइकिलों के लिए बेल खरीद लूं। उसी बहाने मुझसे मिलने चला आया, और नहीं तो क्या। भाई जान, वो साइकिल वाला गणेश वहाँ आया है क्या? हाँ, क्यों लक्ष्मी? उसने कहा होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आपकी जासूसी करने वहाँ आया है। मतलब? दरअसल अब्बू को आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ भेजा है। शुक्रिया, मैं देख लूंगा। हाँ? अच्छा, ये मैंने सुना है कि यहाँ पे मालिक का रियल इस्टेट का कारोबार है। रियल इस्टेट? हाँ भाई, रियल इस्टेट। रियल इरल। खैर वो छोड़, मारने वाले को तो बख्श सकते हैं, लेकिन जासूसी करने वाले को बख्शा जा सकता है? दुश्मन को बख्श दे, लेकिन दगाबाज को हरगिज नहीं। मारो इसको। ध्यान से सुन, अब्बू के कहने पर तू यहाँ चला आया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे मिलते ही सच्चाई बयां कर देनी चाहिए थी कि तेरे आने का मकसद क्या है। तुझे पता नहीं कि यहाँ पर तेल बनाने वाली कंपनी है? साइकिल की घंटी लेने के लिए यहाँ तक चला आया? यहाँ पर मेरी जासूसी करने आया और मुझसे झूठ बोल रहा है तू? हाँ, घंटी खरीद पाएगा या नहीं, लेकिन तेरी घंटी जरूर बजा दूंगा। अरे मालिक कैसे हैं आप? तुम भी चले आए? सारे के सारे नंगे भूखे मेरी मजार पे मन्नत मांगने आते हैं। कल से इनके हलक में भी निवाला डाल दे। ठीक है भाईजान। ए, तूने उसे भी भैया कहा, लेकिन रिश्ते में तो तेरे चाचा है ना। तुझे अभी पता नहीं है कि यहाँ का निजाम ही अलग है। मामू को चाचू कहते हैं, साले को खालू कहते हैं, भाभी को चाची कहते हैं, और दादी को क्या कहते हैं? अरे चुप करो, इतने रिश्ते हमें समझ में नहीं आते। ए भाईजान, मालिक ने दफ्तर देखने के लिए कहा था, और आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? दफ्तर ही तो देख रहा हूँ। हमें क्या बेवकूफ समझा है, यहाँ से दफ्तर कैसे दिखाई देगा? तुझे पता है दफ्तर से भी दफ्तर देख सकते हैं? नहीं जानता। अब यहाँ से देख, सारा ऑफिस कितना साफ नजर आ रहा है ना। अहमद हूँ मैं, एक नंबर का अहमद हूँ मैं, उल्लू का पट्टा हूँ मैं। वो फोन नहीं उठा रही क्या? इसलिए मैसेज कर रहे हैं। ए राधा, उस तरफ मत देखना, वो कल वाले लड़के की नजर तुम पर है। हाँ? लेकिन तुमने उसे पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? स्कूल में उस्ताद जी को उसने पत्थर फेंक कर मारा था, बचपन से ही लोफर है। अगर उसे पता चल गया कि हम ही राधा हैं, तो पीछा नहीं छोड़ेगा। हाय राधा, तुम फिर से आ गए, हमने कहा ना हम राधा नहीं है, तुम ही राधा हो। अगर आप मंदिर को मस्जिद बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे मंदिर को तो मंदिर ही कहेंगे, मस्जिद क्यों कहेंगे भला? देखो मुझे मजाक पसंद नहीं है, ये बताए काम क्या है? तुम्हारे गांव में शिवगंगा के करीब बरगद का पेड़ है ना? ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका मतलब आपको नहीं पता? नहीं बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये राधा ही है। हेलो, हमारा नाम करीना है और हम बिहार से हैं। अच्छा मजाक है, अपनी पसंदीदा अदाकारा का नाम बताओगी? तो फिर सुनो, मैं भी शाहरुख सलमान आमिर से कम नहीं हूँ, और तुम हीरोइन बन जाओ ना, दीपिका प्रियंका करीना, एक काम करो ना बॉलीवुड चली जाओ। बचपन में भी ऐसी छोटी बिंदी लगाती थी, और आज भी बिल्कुल वैसी ही बिंदी लगाती हो। ए बिंदी दो ही तरह के होता, या तो लंबी या तो गोल, इनमें से एक ही लगा सकता है। अब तू अपन बकवास बंद करा, हमने की थोड़ा से कौनो बात ना करे की बा। अरे वाह, भोजपुरी तो कमाल की बोल लेती हो। वो तो हम। ए राधा, जल्दी आप बस छूट जाएगी। ये तो सही शहर में चल क्या रहा है, हैंडल को अभी टेढ़ा होना था, अभी सीधा कर देते है। अरे यार, जैसे कुत्ते बिजली का खंबा देखकर पैर उठाते हैं, वैसे ही तुम टेढ़ा हैंडल देखकर। अब भुगतो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ हाँ, तुझे वही ले जा रहे हैं।
कहिए। अभी लिंक डॉक्टर के पास क्यों लेकर आ गए? आप तकलीफ बयान कीजिए। इन्हें चोट लग गई है। किस जगह पर लगी है? अब तक साइकिल वाले ठोका करते थे तो ट्यूब पंचर होती थी, लेकिन पहली मरतबा कार वाले ने ठोका है तो पूरा टायर फट गया है। अब क्या करें? इन्हें पंचर की दुकान पर ले जाइए। अरे डॉक्टर और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, सब खुलकर बोलना चाहिए। खुलकर बोलेंगे तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा डॉक्टर। कहाँ चोट लगी है? हाथ में, पैर में, जहाँ भी लगी है ठीक कर दूंगी। चलिए आप अंदर आ जाइए। कहाँ चोट लगी? ये होने वाला था, मुझे पहले से ही मालूम था। वो यही काम करता है। कहिए जनाब, आपको किससे मिलना है? तुम कौन हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। मुलाजिम हो? अरे सुलेमान भाई, आइए आइए, अपना ही बंदा है। कहिए चाय वाय पियेंगे? हाँ मंगा ले। सतीश, ए उसे लाने के लिए कहें। वो ऑफिस बॉय नहीं है भाई। सतीश, ए तू भी तो मुलाजिम ही है ना, चाय ला। सुलेमान भाई वो... जी मैं अभी लेके आता हूँ। ये क्या बात हुई, मुलाजिम तो मुलाजिम ही होता है ना। सुलेमान भाई अभी आया, आपसे वाकिफ नहीं है। उसे समझा दे अपने हाथ में रहे। ये लीजिए चाय। चाय लाने में इतना वक्त लगता है क्या? हाँ तो अभी ये चाय कैसी चाय लेकर आए? ऐसी बकवास और ठंडी चाय पिलाओगे हमें? सही बात है, चाय में ना तो लज्जत है और ना ही गर्म है। क्या कहा? चाय ना तो गर्म है और ना ही इसमें कोई मिठास है। आइंदा ऐसी चाय मत पिलाना। ए चलो रे। ये क्या किया भाईजान, उस बदतमीज को ऐसे छोड़ दिया? अरे छोड़ना यार, वैसे भी चाय से मुंह धोने से रंग खिलता है। हाँ साबुन से मुंह धोने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इशारा करो, उसका पेट चीर के उसकी चर्बी नहीं उतार दी तो कहना है। तुझे तो पता है ना, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, काम सीखने के लिए आए हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ सहना ही पड़ेगा। आप कब से इतने सीधे और समझदार हो गए भाईजान? हम लोग मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है, डटकर मुकाबला करने वालों में से। ए सुनो, तुम अभी गांव में फोन लगाओ, लगाओ फोन गांव में। अब अपने फिर क्यों मारा मुझे? तूने आज तक मेरी बात कभी प्यार से मानी है क्या? नहीं ना। तो इन लोगों को जानता है क्या? कौन है ये लोग? ये लोग अन्ना के आदमी हैं। इसी कॉलेज में इसके लोग कैंटीन चलाते हैं। ये भी कभी इस कॉलेज में ही पढ़ा करता था। अरे ये क्या, कोल्ड ड्रिंक ठंडी नहीं होगी तो लेने का मतलब क्या है? क्या मैटर है रे? भाई ये ऊंची आवाज में बात कर रहा है, दादागिरी करेगा? अरे कौन है तू? किसने भेजा? बोल। देखिए आप बात तो सुनिए, बहुत भाई बनने का शौक है ना। अरे बहुत गरम घूम रहे तेरा, सुनिए अभी ठंडा कर दूंगा। समझ क्या खुद को, अकल ठिकाने लगा दूंगा तेरी। चल निकल, चल। चलिए जोसेफ कॉलेज आ गया, उतरिए उतरिए उतरिए। हाय राधा, तुम दो दिन से कॉलेज नहीं आई थी? हमारा नाम राधा जरूर है। हाँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम शिवगंगा की आपकी स्कूल वाली राधा हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अरे रे 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 रे, बायोडेटा कौन पूछ रहा है तुमसे? हम यहाँ बिहार से पढ़ने के लिए आए हैं। एक मिनट रुको रुको रुको, प्लीज अच्छी तरह से याद करो। तुम बचपन में ब्लेड से पेंसिल छील रही थी तो ब्लेड तुम्हारे पैर पर लग गई थी और मैंने अपना रुमाल तुम्हारे पैर पर बांधा था, पता है? हाँ। फिर पूरे एक हफ्ते बाद तुम्हारा पैर ठीक हुआ था। हाँ? यकीन ना हो तो अभी देख लो, निशान पैर पर जरूर होगा तुम्हारे। ये क्या बेहूदगी है, बीच रास्ते पर कोई इस तरह से बात करता है? माफ करना प्लीज, घर जाकर आराम से देख लेना। ए श्याम, तुम अचानक यहाँ? अरे ज्योति, मैं खुद तुम्हें कई दिनों के बाद देख रहा हूँ। अच्छा, ए राधा, तुमने बताया नहीं कि तुम अभी श्याम के टच में हो? पेन फ्रेंड, मेल फ्रेंड या यूं कहो कि बचपन की यादें है ना। ओहो, तुम भी ना, मैं इन्हें नहीं जानती। तुम शाम को नहीं जानती? अरे हम सब एक ही स्कूल में तो थे, ब्लेक पेपर फूल रोकने के लिए रुमाल बांधा था, याद है? कब से इसे यही कबूल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसे कबूल करने में आखिर क्या परेशानी है। ये मुझे पहचाने से ही इनकार करिए, यहाँ तक बिहारन भी बन जाती है। जब से तुम एनसीसी कैंप से लौट कर आई हो बिहारी ही बोलती रहती हो। सोनाली तो बिहारी है, जब भी हम अकेले होते हैं तो हम बिहारी में बात कर लेते हैं। सारे गड़े मुझे यही उखड़ गए। अरे ज्योति, तुम्हारा मोबाइल नंबर 9952499204। और राधा का आखिरी का 4 हटा के 5 लगा लेना। मेरा नंबर देने की क्या जरूरत थी? सॉरी यार, इसका नंबर सेव मत करना। उसे तो दिल में सेव किया है मोबाइल में। भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गांव कितनी बसें जाती है वो मैं गिन रहा था। आप भी किस जंजाल में पड़े? आप दोनों का मजहब बिल्कुल जुदा है। आपको अपने मजहब की कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। दूसरे मजहब की भलाई के लिए हमने बहुत काम कर लिया, अब हमें अपने मजहब की भी खिदमत करनी चाहिए। हाथ पैर टूट जाएंगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा। और जरा सोचो, अगर मालिक को इस बात का पता चला तो हमारी गर्दन उड़ा देंगे। उसकी फिक्र मत कर, वो मैं जोड़ दूंगा। इसका मतलब सर कभी भी कलम हो सकता है? ये क्या दोस्त, हम लोगों को ब्रांडी थमा दी और खुद बियर पी रहे हो? अरे तुम लोग तो मस्ती में शराब पीते हो और मैं तो सेहत के लिए पीता हूँ।
अच्छा, बियर पीने से सेहत बनती है क्या? जैसे मोटे लोग स्प्राउट खाकर डाइट करते हैं, वैसे ही पतले लोग अच्छा? बियर पीकर अपनी सेहत बनाते हैं। बस जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो तुम फोन किसे कर रहे हो? राधा को मोहब्बत का मैसेज भेज रहा हूँ। दो दिन लड़की को देखे हुए नहीं की मोहब्बत हो गई? ये 10 साल पुराना बचपन का प्यार है, चिकन लव, कॉफी लव। जरा तफसील से समझाएंगे। अरे यार, बचपन में अगर किसी लड़की से प्यार हो जाए तो अजीब सी कैफियत होती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। दिल में एहसास तो होता है लेकिन तभी समझ में नहीं आता। अरे ये क्या, माली का फोन आ रहा है। अरे वहाँ जाकर बात कर, जा जल्दी। जी मालिक। वहाँ सब लोग क्या कर रहे हो? यहाँ सारे लोग पानी मिला कर। क्या मतलब? वो क्या है ना मालिक, दरअसल यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, इसलिए बाहर से 4 बोतल पानी ला के सब लोग नहा रहे हैं। मतलब हा? नहीं नहीं, हमारा मतलब है हम लोग पी रहे हैं। पहले अच्छी तरह से उबाल लेना। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है मालिक, आपका हुक्म सर आंखों पे। कुछ लोग तो गर्मा गर्म पी रहे हैं और कुछ तो मालिक ठंडा करके पी रहे हैं। शाम ठीक से खाना तो खा रहा है ना? आप बेफिक्र रहे मालिक, आज कल तो जान डाइटिंग कर रहे हैं। कैसी डाइटिंग? बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं। तेरी तो अच्छी बात है। अगर दवा से फर्क पड़े तो कुछ पैकेट यहाँ भी भेज दो, उसकी माँ को भी दे देंगे। वो दवा पैकेट में नहीं बोतल में आती है मालिक, कुरियर भेजने में खतरा है। जब हम आएंगे ना तो अपने साथ लेते आएंगे। बेहतर शाम को फोन दो। फोन में कौन सी बदबू आने वाली है? जी अबू। बेटा तुम्हारा पासपोर्ट आ गया, वक्त मिले तो पोस्ट ऑफिस जाकर पासपोर्ट ले लेना। जी अबू। ज्योति हाँ, कल हमने तुम्हें जो पिक्चर मैसेज भेजा था वो तुमने शाम को भेज दिया। हाँ तो की बच्ची, उसने जवाब में आई लाइक यू लिखकर भेजा है। खैर तुम्हारे पैर पर निशान है, यही कहना था ना उसका। तुमने चेक किया क्या? हाँ चेक किया। क्यों चेक किया? हमारा निशान हम क्यों ना देखे? मान लिया, लेकिन आज से पहले कितनी मर्तबा देखा था? कभी कभार नजर पड़ जाती है। तो फिर उसके कहने पर कैसे देख लिया? क्या? यही तो। यूँ तो हम दिन भर में कितनी बार आईना देखते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि तुम बेहद खूबसूरत हो तो हम ना जाने कितनी मर्तबा आईने के सामने खुद को निहारते हैं। तब दीवानगी छा जाती है, उससे मोहब्बत हो जाती है और दिल उसे बताना चाहता है, लेकिन हम बताने से मजबूर हो जाते हैं और उसके दीदार के लिए आंखें तरसती हैं और उसके बाद खुदकुशी की नौबत आ जाती है और फिर मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। बस भीगा मेरी माँ, हमें बद्दुआ ना दे। यूनिवर्सिटी आ गया, चलिए उतरिए। और कैसी हो राधा? अब क्या परेशानी? जरूरी थोड़ी कि परेशानी होगी तो ही मिलूंगा, है ना? सही कहा ना ज्योति? चुप कर, रात हमारे मोबाइल पर फिजूल के मैसेज भेजते रहे, इतने मैसेज भेजना जरूरी था क्या? और किसकी इजाजत से भेजा? किसी इजाजत लेनी है? तुम्हारी अम्मी से, अबू से, उस्ताद से। ये बताओ तुम्हारे अबू जी कहाँ पर रहते हैं? शिवगंगा में या हैदराबाद में? उनका नंबर दे दो ना। ए फिजूल में उसके अबू का जिक्र छेड़ दिया तुमने। अरे जिक्र ही तो किया ना, बेइज्जत तो नहीं किया ना? अरे उसके अब्बू नहीं है, बचपन में ही गुजर गए थे, उनकी याद ना है इसीलिए वो अपने मामू जान के यहाँ रहकर तालीम हासिल कर रही है। माफी मांग लूंगा, तुम मेरे मोहब्बत के बारे में बात करोगे ना उससे? तुम भी मेरे दोस्त हो और वो भी मेरी दोस्त है। हाँ। अगर तुम मुझसे कहने के लिए कहोगे और उसने इनकार कर दिया, तुम फिर से मुझसे कहोगे एक बार और ट्राई कर लो, इससे बेहतर है कि तुम खुद ही बोलो। ठीक है, मैं खुद ही इजहार कर दूंगा, बस सिर्फ तुम किसी तरह से शांति सागर रेस्टोरेंट में भेज देना उसे, एक बार उससे बात करूंगा, अगर इनकार कर दिया तो कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, बेहतर। भाईजान इस बारे में मालिक को बताएं या ना बताएं, इसी कश्मकश में है। अभी भी जासूसी करेगा, सुधरेगा नहीं तो। किसी घर में बाप सख्त होता है तो बेटा ठंडे दिमाग का होता है, लेकिन अगर बेटे का मिजाज गर्म होता है तो बाप ठंडे दिमाग का होता है। तुम्हारे घर में दोनों ही सख्त है, तुम दोनों के चक्कर में फंस कर पिस गया हूँ यार। एक काम कर, पहाड़ पर चला जा, ऊपर वाले से माफी मांग, वहाँ से कूच, सीधे जन्नत में जाएगा। इतनी जल्दी थोड़े ना जाना है यार। ज्योति लेकिन तुम मुझे बताओगी कि हम वहाँ जाएं क्यों? राधा वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है तो इनकार कर देना बस, और क्या? फिर भी नहीं माना तो? कैसे नहीं मानेगा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मना करने से वो नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम एक बार प्यार से मना कर दोगी तो वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। हम लोग तो उसे बचपन से जानते हैं ना, घबरा क्यों रही हो? एक मर्तबा खुलकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आइए जनाब, आइए, आओ ना, आप लोग यहाँ बैठ जाए। इतना घबरा क्यों रही हो? फिक्र मत करो, तुम्हारे अबू का जिक्र किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये बताओ कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया, क्या बात है? मैं तुमसे बचपन से स्कूल लाइफ से ही बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन कभी इजहार करने का मुझे मौका ही नहीं मिला तो हिमडी कहेगा ये आपका मसला है, चलो बैठो। फिर एक दिन तुम स्कूल नहीं आई, मैंने सारा स्कूल देख लिया, सभी से तुम्हारे बारे में पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से तालीम में ध्यान देने लगा और फिर जब पहली मरतबा तुम्हें बस में देखा तो सब कुछ याद आ गया, और फिर एक नजर में ही बस में तुम्हें पहचान लिया कि तुम ही राधा हो। मैं बस यही कहना चाहता था। आप जैसा सोच रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, मेरी अम्मी मुझे बहुत मेहनत से पढ़ा रही हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
मोहब्बत के नाम पर गाड़ी पर घूमना, फिल्म देखना, बागों में एक दूसरे का हाथ थामे घूमना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। मैं जो भी कह रही हूँ समझने की कोशिश करो। आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि इन सब बातों को अपने जहन से निकालो। ए, तमीज नहीं है क्या? हाँ? दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं और आप इस तरह से झांक रहे हो। मामूजान। 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 मामूजान, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह खामोश क्यों हैं? मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम नहीं किया है तो उसके साथ अकेले इस तरह होटल में क्यों गई थी? मेरा यकीन करें मुमानी जान, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक तुम यहाँ रहना चाहो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मुझसे बात मत करना। जैसे ही फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए अम्मी के पास चली जाऊंगी मैं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें मेरे हाल पर जरा भी रहम नहीं आता? मेरे मामू जान की नजरों में मैं गिर गई हूँ। इतने सालों तक जिस मामानी जान ने मुझे पलकों पर रखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुमसे सिर्फ यही कहने आया था कि आज के बाद कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। जब मैंने पहली बार तुम्हें बस में देखा तो पूछ लिया था कि तुम ही राधा हो। अगर उसी रोज कबूल कर लिया होता तो शायद मैं तुम्हें हाय कह के चला भी जाता। तुम्हारे इनकार ने मुझे कश्मकश में डाल दिया। तुम्हारा इनकार मुझे इकरार लगा। शायद मेरी ही गलत फहमी थी। बाइक पर घूमना, फिल्में देखना, बागों में बैठकर घंटों बातें करना, ये सब कुछ मुझे भी नहीं आता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज से ठीक 6 महीनों बाद मैं तुमसे सिर्फ 2 पल के लिए मिलूंगा। अगर तुम राजी हो गई तो ठीक है, वरना मैं अपनी बदकिस्मती समझ कर सीधे चला जाऊंगा। अगर मर्द पर मुसीबत आती है तो उस तक ही रहती है, लेकिन लड़की पर कोई उंगली उठाए तो पूरा खानदान बदनाम हो जाता है। मेरी भी एक बहन है तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं। तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, हो सके तो माफ करना। राधा, अम्मी, तुम्हारे अब्बू को गुजरे 12 साल हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। 12 साल 12 पल की तरह निकल गए। रो मत बेटी, रो मत। क्यों रो रहे हो तुम दोनों? मेरा बेटा मर गया इसलिए? नहीं बेटा, तुम हमारी पोती नहीं, हमारे पोता हो। हौसला रखो, मालिक पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। जल्दी करें, अगर ये बस छूट गई तो 2 पार से पहले नहीं जाएगी। हमारे गांव में और भी तो मसले हैं। अब क्या हुआ? मालिक की नजरें हमें ही घूर रही हैं। इसीलिए आज तक तुम कुंवारे हो। अम्मी, आप जरा बाहर तो छोड़ दें। मुझे चाहिए, मैं लेकर जाती हूँ। क्यों मोहतरमा, यहाँ क्या चल रहा है? बिल्ली बैठी है, कुत्ता चल रहा है, मैं तो बस यही कह रही। हम ये नहीं पूछ रहे, ये लक्ष्मण मछली करी को लेकर यहाँ वहाँ टहल रहा है ना, ये क्या माजरा है? क्या मछली करी? अरे अरे, अरे, वो, अरे क्या है? मछली की खुशबू कितनी तेज आती है मोहतरमा, क्या पता नहीं है तुम्हें? वो श्याम को बहुत पसंद है ना मछली करी, पता नहीं उसे वहाँ मिलती होगी कि नहीं, इसीलिए कभी कभी उसके लिए भेज देती हूँ। तुम्हें जरा भी अकल है कि नहीं? अगर उसमें किसी ने कुछ मिला दिया तो क्या होगा? हाँ। 2 मिनट के अंदर कहानी किस्मत की खत्म हो जाएगी। हाँ? अरे बापरे, मेरे जहन में तो ये आया ही नहीं। खा ले भाई जान, खा ले। इस कड़क धूप में खाने के लिए तूने कितनी तकलीफ उठाई है, तो तेरा हक पहले बनता है। तुम जब चाहते हो तो हमें मारते पीटते हो, लेकिन खाने के मामले में तुम्हें सबसे ज्यादा हमारी फिक्र होती है। तुम्हारा यही प्यार हमें यहाँ तक खींच लाया मेरे भाई। और गणेश, खाना जायकेदार है ना? अरे मालकिन ने बनाया, कैसे नहीं होगा? तुझे चक्कर सा तो नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं भाईजान, मुझे लग रहा है तुझे चक्कर सा आ रहा है। वो क्यों? सच कहूँ तो मुझे लगा कि हमारे दुश्मनों ने खाने में जहर मिलाया है, इसलिए पहले तुझे खिला दिया ताकि सच्चाई का पता चल जाए ना। क्या खाने में जहर है या नहीं ये जांचने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था क्या? यही तुम्हारी मोहब्बत है? कई मील दूर से खाना आता है और तुम्हें इसकी कद्र भी नहीं है। मालिक, सादा खाने से अच्छे ख्याल आते हैं, अभी खाइए ना। भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं तो क्या खाएंगे? हमारा भेजा, हमारा सारा सरमाया इसी जमीन पर लगा था, हमें इस 7 लाख पर पूरा भरोसा था,
इस नोटिस को देखकर लग रहा है मानो सब कुछ खत्म हो गया। आप फिक्र मत कीजिए जी, सब ठीक नहीं, हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ए, क्या बात है, तुमने क्लास अटेंड क्यों नहीं की? घर में मसला पैदा हो गया है। क्या हुआ? कुछ दिनों पहले मामू जान ने एयरपोर्ट के करीब एक जमीन खरीदी थी। एकदम से नोटिस आ गया कि वो जगह एयरपोर्ट के ताबे हो जाएगी। मामू जान को पहली मर्तबा होते देखा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या तुम्हें पता है कि ये जमीन किसने खरीदी? शाम। क्या बात है ज्योति? मैंने तुम्हें ये बात बताने के लिए फोन किया, इसका इल्म राधा को ना हो। फिक्र मत करो, मैं देख लेता हूँ। अरे बाप रे, अपनी जासूसी से पास नहीं आएगा ना तू? क्या बात है, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ए चाचा। ए, तमीज से बात करो मुझसे। सुनो, कितनी बार तुम्हें समझाया था कि वो एयरपोर्ट वाली जमीन किसी को भी मत दिखाना, लेकिन तुम माने नहीं ना। उस जमीन के कागजात बनवा कर सीधे कृष्णा कांजी को बेच दी तुमने। एयरपोर्ट को बढ़ाने का नोटिस मिलते ही वो पूरे परिवार वालों के साथ खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे। तुम्हें तो हाय लगी। अकेले कोई सौदा नहीं किया है, इसे 60 लोगों ने मिलकर सौदा किया है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, कृष्णा कांजी के बारे में बताओ। अगर हमारे स्टे ऑर्डर को एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं मानेगी तो हम कोर्ट में जाकर के अपील करेंगे। इनसे बात करने से मसला हल नहीं होगा। सुन गणेश जी, फौरन जेसीबी राउत को फोन लगा। अभी लगाता हूँ। अच्छा चाचा, पिछले साल गांव में घर बनाया था, कितनी लागत आई थी? 20 लाख। लेकिन तुम्हें इससे क्या? हाँ, 20 लाख की इमारत को 4000 में जमीन पर फर्श करके बिछा दूंगा। क्या मतलब? आधे घंटे जेसीबी का किराया 3000, पेट्रोल का 1000, टोटल हो गए 4000। तोड़ने के लिए कह दूंगा, तोड़ देंगे। क्या बकवास कर रहे हो? जेसीबी राउत साहब है क्या? अच्छा, उनसे कहिए कि 6 घंटे वो चाहिए, लाइन पे बने रहे। मेरा काम कर दो वरना जेसीबी से अभी घर टूट जाएगा। एक नया मकान तामीर हुआ है, उसे तोड़ना है। नए घर के तोड़ने की बजाय उसको गेहन लग गया है ना। अरे बताओ मुझे क्या करना है? वो रोता हुआ परिवार सीधे खुश हो जाना चाहिए, वरना डीजे डाल के तैयार है। अरे अरे फोन कट करो। देखिए जनाब, आपने 2 साल पहले उस जमीन को 7 लाख में खरीदा था, हमें पता है। आज इसकी कीमत भले ही 10 लाख रुपए है, लेकिन हम आपको 8 लाख ही दे सकते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। इनके साइन ले लें। बहुत शुक्रिया जनाब। अगर आप किसी मंत्री के पास गए होते तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन इन लड़कों के पास। कौन लड़के? सेल फोन से इतने बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। बोलो राधा, वो जमीन वाला मसला हल हो गया, ओनर खुद ही आकर सेटल करके चला गया। किसी ने उनसे कहा था? समझ नहीं पा रही हूँ कि इस खुशी में क्या करूँ। एक काम कर, सिद्धि विनायक मंदिर चली जा, नारियल चढ़ा, दिल को सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। बेहतर। आपने सही पहचाना, एमएलए साहब गलत रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। नदी से बालू निकालने का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपनी बेनामी कंपनी के नाम ले रखा है। आए दिन 2 से 3 गाड़ियों का परमिट लेकर 4-5 गाड़ियां निकाल रहे हैं। सारा बालू दमन से हैदराबाद जा रहा है, वो भी ट्रकों में भरकर। और हमारे पास इसके सारे सबूत हैं। तहसीलदार हमारे साथ ही आए हैं। बुलाओ। बताइए जनाब। आदाब जनाब। ये सब क्या हो रहा है? सियासतदानों के सामने हमारी क्या हैसियत है जनाब? सरकारी मुलाजिम को ऐसी बातें जेबा नहीं देती। हमारे जिले में नदी का पानी बिल्कुल नहीं आता, जिस वजह से खेती करना मुश्किल हो गया है। अब रह गई बात वहाँ के बालू की। अगर ये लोग बालू निकाल लेंगे तो क्या होगा? पानी कहाँ से आएगा? किसी भी नदी से बालू निकालना एक माँ की कोख को उजाड़ने के बराबर होता है। कहाँ है राजेश्वर? बेटा, अभी उससे पूछोगे तो वो साफ साफ मुकर जाएगा। ये सब उसकी बेनामी कंपनी के नाम चल रहा है। थोड़ा सब्र से काम लेंगे तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। ठीक है भाई, आपके लिए एक पैगाम आया है। क्या लिखा है? P for पॉकेट मार, T for तड़ीपा, C for चोर, G for गुंडा लिखा है। किसकी इतनी जरूरत? फाइनल ईयर का अमन। कहाँ है अमन? अबे अमन के बच्चे बाहर निकल। कहाँ? कौन कहाँ? पसंद किया है? ए सारे के सारे लोग यहाँ आओ। ए जल्दी आ जाओ। सारे के सारे लोग यहाँ आ जाओ। ए बता कहाँ है? किसी ने फोन किया था? नहीं पता तुझे? मुझे नहीं मालूम। ठीक है बस। सब के सब पीटे जाओगे। वो हमने ही फॉरवर्ड किया था। ए सबका मोबाइल चेक कर रहे। कल कैंटीन में मैंने मंजू को भेजा था, पता नहीं इसने किस किस को भेज दिया। क्या क्या किया? अगर किसी के इनबॉक्स में से मैसेज मिला तो उसका लिबास उतार कर पूरे कॉलेज में नुमाइश की जाएगी। हाँ कहो ना ज्योति। ए किसका नंबर है? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? मैसेज करो मेरे नंबर पर, उसे राधा को फॉरवर्ड करते हैं, उसे डिलीट मत करना। क्या रे, ये तेरा नंबर? ये किसका मोबाइल बजा? शाम का मैसेज। समझ नहीं आ रहा? चुप रहो। ए चेक करो। दुकान में मैं नहीं पता जब तक फंदा नहीं चलेगा कि यहाँ से नहीं जाएगा। ए जल्दी से मोबाइल चेक करो। मंजू ने भेजा भाई। ए तुमको किसने मैसेज भेजा था? राधा ने। ए तुमने मैसेज भेजा था? वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किया, मुझे नहीं पता। 9824224612। ये किसका फोन नंबर है? मुझे नहीं पता। ए किसका नंबर है जनाब? मेरा नंबर है जनाब, वो मैसेज मैंने लिखा था। ए सब अपनी अपनी क्लास में जाओ। ए जाओ चल ना, चल जाओ 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 जाओ। अरे चल ना, चल जाओ। ये क्या कर रहे हैं?
चल ना, मैं भी चक्कर सच बता देती हूँ। अगर हम तो सच बताएगी तो और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। चल यहाँ से। सुलेमान भाई, सुलेमान भाई, माफ करते उसे, माफ कर दे इसे, छोड़ी, छोड़ी, समझा दे इसको, सुलेमान, जानते हो कौन है ये? चाचा, कुछ करने की जरूरत नहीं, गलती मेरी ही है। सुलेमान भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकर जाओ इसे, चल चल यहाँ से। आओ शिमा, आओ। क्यों भाईजान, आपको क्या हुआ है? आप चुपचाप मार खा रहे थे? और मालिक, आप भी देख लिए ना, यहाँ आके काम करने का अंजाम। इससे बेहतर है कि गांव में गाय का गोबर साफ कर ले, कोई गुंडा तो जलील नहीं करेगा। बकवास बंद कर, मुझसे क्या बोल रहा है? इसे वो मैसेज भेजने की क्या जरूरत थी? इसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इसे तो आपको बचाना चाहिए था ना। गणेश, दोस्त कहते हो, अच्छी दोस्ती निभाई तुमने तो। वाह क्या बात है, दोस्त को मार खाते हुए देख के चुपचाप। अरे क्या बस कर, बस कर, तुम्हें बहुत अपनी मनमानी सूझी है ना, तो हम अभी मालिक को फोन करके सब बताते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फोन छीन लेने से बात खत्म नहीं हो जाती, हम पीसीओ पे जाके कॉल करेंगे, लेकिन हम मालिक को जरूर। मैं इसलिए खामोश हूँ कि बात बढ़ेगी तो उस लड़की पर कोई मुसीबत ना आ जाए। और तू चिल्लाए जा रहा है, जान ले लूंगा। जान लेनी है तो ले ले, लेकिन हमने भी शहर छोड़कर जाने से पहले उसे तुम्हारे पैरों पे नहीं गिराया ना, तो हमारा नाम बदल देना। ये सब क्या है सर? उस टीचर ने सीधे कमिश्नर से शिकायत की है। उस टीचर की तो मैं बारात निकाल दूंगा। भलाई चाहते हो तो चुपचाप रेस्ट हो जाओ। एक हफ्ते बाद ये फाइल इस टेबल से वहाँ चली जाएगी और तुम्हें जमानत मिल जाएगी, वरना कमिश्नर साहब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, समझे? ठीक है, आज जो मुनासिब समझे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ज्योति, एक हफ्ते से सो नहीं पा रही हूँ। मेरी गलती की सजा उसे मिली, ये बात कांटे की तरह चुभ रही है। जानती हो, मैंने 4 बार सॉरी मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे खुद उसके पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। बेहतर, माफी मांगनी जाएगी तो शुक्रिया भी अदा कर देना। शुक्रिया किस लिए? उस दिन जमीन के मालिक ने जो पैसे दिए थे उसके लिए मजबूर करने वाला और कोई नहीं, श्याम ही था। उसी ने अपने मालिक से बात करके तुम्हारे पैसे लौटाने का इंतजाम किया था। राधा, ये कहाँ खोई है? किन ख्यालों में हो? कुछ बेहतर ही सोच रही हूँ। शाम से मिलकर माफी मांगने वाली हो ना? नहीं, मैं उसे हाँ कहने वाली हूँ। सच में? हाँ, उसकी मोहब्बत कबूल कर लूंगी। ये अचानक? हाँ, उसका अंदाज शायद गलत था, लेकिन उसके किरदार ने मेरे दिल में जगह बना ली है। मुझे उसे मिलना है। देखो, 6 महीने बाद वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, ऐसा उसने कहा था। उस रोज मैंने कैलेंडर देखा तो 1 अप्रैल थी, फूल्स डे, तो मुझे लगा कहीं शाम को धोखा ना मिले, लेकिन तुमने अपना फैसला बदलकर बिल्कुल सही किया है। सुनो श्याम, सुलेमान आज जेल से रिहा हो रहा है, तुम यहाँ मत रुको, चले जाओ। बुजदिल कहीं के? वो मेरे पास नहीं आएगा, वो उस मास्टर के पास जाएगा। उसे क्या जरूरत थी शिकायत करने की? कम से कम कोई तो मर्द है यहाँ पे। सुन, जाकर देख कॉलेज में क्या हो रहा है। ठीक है। तू वाकई में गुस्सा है या गुस्सा हवा का गुब्बारा है जो एक ही बार में ठूस हो जाता है? मास्टर, चल बाहर निकल। क्या रे मास्टर, तुमने शिकायत की? तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी शिकायत की तुमने? हाँ, तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है, और तुम 2 टके के मास्टर होकर मेरी शिकायत करोगे? देखिए जी, तुम इसकी बीवी हो क्या? खामोशी से कोने में खड़े होकर तमाशा देखो, और तेरी हैसियत क्या है रे? तू कोई लीडर है? सुलेमान, पुलिस का खबरी है तू? सुलेमान कौन है तू, बोल। जाने दो सुलेमान, जाने दो। ये कुछ समझता क्या है, मेरी शिकायत करेगा? क्या कहा था, क्या कहा था तूने? मुझे गुंडा कहा था तूने? ऐसे नहीं बोलेगा ना तू? देखिए जी, तू एक काम कर, वहाँ बोर्ड पर जाकर लिख दे कि मैं एक गुंडा हूँ। जा लिख दे, जा जा। नहीं, नहीं, नहीं भाईजान, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए भाईजान। अरे जा, इन्हें कुछ मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, इन्हें कुछ ना करें, ये हमारे शौहर है। भाई, इसने तो ब्लैक बोर्ड पे गुंडा लिख दिया। मुझे गुंडा कहेगा तू? मुझे गुंडा कहेगा? Hey!
सर पुलिस को इन्फॉर्म कर दें क्या? एक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते और जो कुछ कर रहा है उसे भी रोकने के लिए कह रहे हो। तुझे नहीं पता तूने किस पे हाथ डाला है, आधे घंटे के अंदर तुझे खत्म कर देंगे। बेटा आप यहां से चले जाइए, वो लोग लौट कर आएंगे तो तुम्हारी जान ले लेंगे। यही है भाईजान, मार डाल इसे। तेजेश्वर जी, ए रुको। अबू अबू, इसका मतलब ये तेजेश्वर का बेटा है। भाईजान गलती हो गई, भाईजान भाईजान हमें माफ कर दे भाईजान। अन्ना तुम यहाँ कैसे, आखिर माजरा क्या है? इस कमजोर ने आपके बेटे के साथ मारपीट की और हमें फंसा दिया भाईजान। माफी मांग, माफी मांग, चल माफी मांग कर दीजिए। भिड़ना हो तो किसके साथ भिड़ना है ये सोच कर भिड़ना। आइंदा से हमारे बेटे से किसी भी तरह की बदतमीजी की तो उसके टुकड़े करके चील कौओं को खिलवा देंगे। इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं भाईजान। चल चल निकल चल भाईजान, आज के बाद आपके बेटे से कोई नहीं उलझेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप बेफिक्र होकर जाए भाईजान, मैं सब देख लूंगा। अरे आपने हमें कहाँ फंसा दिया? आपने कहा था किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, लेकिन वो तो तेजेश्वर का बेटा है। और जरा थोड़ी देर हो जाती ना भाई तो इन सब के साथ मेरे सर के आर पार भी गोली हो जाती भाईजान। फोन लगते हैं। आज के बाद ये मामला मेरे सामने नहीं आना चाहिए, समझ गए भाईजान? 50,000 का फोन गया। मैंने जो भी सोचा था सब गलत निकला, वो इतना गुस्से वाला है, कैसे जंगली की तरह लड़ रहा था, मुझे पता नहीं था उसका खानदान ऐसा है। यार तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा फैसला गलत था। बेवकूफों जैसी बातें मत कर, इस बात को मैं अपने तक ही रखूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ए इसे एक ख्वाब समझूंगी। आँख खुली और सब खत्म हो गया। सब खैरियत तो है इतनी सुबह सुबह यहाँ? राजेश्वर हैदराबाद का करीब 7 करोड़ की जमीन खरीदने वाले हैं, आज उसका रजिस्ट्रेशन है ऐसा हमें पता चला है। हैदराबाद और हुगली के बीच 120 एकड़ जमीन है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस कौन सा है? जी भाई कहिए। हम हैदराबाद में जमीन खरीद रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच जाइए। जी बेहतर भाई। अरे भाईजान आप यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक जमीन के रजिस्ट्री के लिए आया था। अच्छा, किसके पैसों से? तुझे एमएलए इसलिए बनाया ताकि तू लोगों की भलाई कर, लेकिन तू तो नदी के बालू चुरा कर अपना घर भर रहा है। अरे भाईजान किसी ने आपको गलत बताया है। जमीन कितने की है? अबे 70 लाख की। 70 लाख की ना? जी भाईजान। ए उस गाड़ी को रोको। भाईजान ये आप लोगों का निजी मामला है, हमें इसे दूर रखिए। कुल रकम 7,30,00,000 रुपए है, हमारा खानदान बड़ा है, इस रकम से हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। भाईजान देखिए हमारे हाल पर रहम कीजिए। हम आपकी अमानत को उंगली भी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब तक ये परेशानी खत्म नहीं होती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये रखिए। अब बोलोगे ये 7 करोड़ कहाँ से आए, कौन सी जायदाद में हिस्सा मिला, कहाँ दबा कर रखा था? वह हमने अपनी बीवी के कुछ जेवर बेचे, उन्हीं पैसों से यह खरीद रहा था। तो तुम्हारी बीवी इतना सोना लेकर आई थी? देखिए भाईजान हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आप इस तरह से बात कर रहे हैं हमसे। एमएलए हमें क्या आप हैं? आपके हर सवाल का जवाब देना पड़ता है। पार्टी चलाने के लिए क्या आपके घर से पैसा लगा? मेरी एक आवाज पर 50,000 लोगों ने तुझे एमएलए बनाया है, अब मैं उनके सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा?
अब्बू, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इसके लिए एक तरकीब है। कहो क्या है। लोगों के पैसों से ली गई जमीन ये अपने हाथों से यहाँ के लोगों को दान में दे सकते हैं। क्या ये मुमकिन है? जी ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए स्टैंप ड्यूटी भी कम है। अभी कागज तैयार हो जाएंगे। ठीक है। चाचा, हम जो कह रहे हैं वो टाइप कीजिए ना। 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर। गांव शिवगंगा, मेरा नाम है राजेश्वर, उम्र है 46 साल, मैं अपनी सारी जायदाद यहाँ के लोगों को दान में दे रहा हूँ। इस सब के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है और ना ही किसी की कोई जोर जबरदस्ती। मैं अपनी खुशी से ये दान दे रहा हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलो तो, चलो। हो गया। अंदर जाकर दस्तखत कर दो वरना जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। जाओ। राजेश्वर, जब से तू लोगों के हुकूक मारने लगा उसी वक्त से तूने एमएलए के ओहदे को खो दिया। 15 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस्तीफा देना होगा और नए इंतखाबात भी कराना होगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई? नए इंतखाबात तेरे इस्तीफे के बाद ही होंगे वरना तेरी मौत के बाद होगा। जा। क्या बात है भाई जान, 4 दिनों से आप यहीं पर हैं। बाजी बार बार आपको पूछ रही हैं। अब हम क्या मुंह लेकर जाएं? उसने हमें थप्पड़ मारा, ये बात अब तक पूरे गांव में फैल गई होगी। इज्जत मर्यादा और जो सरमाया था सब कुछ चला गया। और तो और, उसके बेटे के शातिर दिमाग से हमारी सारी जायदाद चली गई। उसके बेटे को मारे बिना अगर गांव गए तो हमारी बीवी भी हमारी इज्जत नहीं करेगी। कुशलना को बुलाओ। देखो कल हम पार्टी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। उस तेजेश्वर के बेटे को खत्म करना है। भाई ये काम हमसे है। हम तुमसे करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम बाहर से लोगों को बुलवा रहे हैं। तुम बस वहाँ बैठकर तमाशा देखना, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। जी भाई, लगता है ये पागल हमें तेजेश्वर भाई से मरवा कर ही दम लेगा। हर हाल में हमें सुबह यहाँ से निकलना है। सुनिए, हैदराबाद के रजिस्ट्रेशन दफ्तर में अन्ना आया था, हमें देखकर उल्टे कदम लौट गया। हमारे लड़कों और उसके आदमियों में दुश्मनी है। अन्ना राजेश्वर के रजिस्ट्रेशन में किस लिए आया था इस बात पर हमें शक हो रहा है। मालिक, कहिए मालिक। हमारे श्याम और सुलेमान के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वो मालिक, तूने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, अब खामोशी से सुन क्या रहा है। ये जानबूझकर किया गया है या अंदर की कोई और बात है? जब उसने चाय मुंह पे मारी थी उसी वक्त हाथ क्यों नहीं काटा? आपने तो कहा था किसी तरह के झमेले में मत पड़ना। बेशक सारी गलती मेरी है, मेरा बेटा मेरी वजह से इतना कुछ सह गया, पहले सन्ना से निपटते हैं। भाई अचानक से हम कहाँ जा रहे हैं? अबे तू दिमाग मत चला, बेटे को कुछ हो गया तो उसका बाप हमारी गर्दन को उतार लेगा। फोन भाई जान, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बोलिए भाई जान, कहाँ हो इस वक्त? हाईवे पर है भाई जान, कोई खास बात? हम फोन काट रहे हैं, तू वहाँ के लैंडलाइन से फोन कर हमें। लैंडलाइन क्यों? जानना चाहता हूँ कि तू इस वक्त अपने गांव में है या नहीं। हम अभी अभी यहाँ से निकले हैं भाई जान। फिर झूठ बोल रहा है तू। पता नहीं इसे कैसे पता चल जाता है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है भाई। उस राजेश्वर ने ही आपके बेटे को मारने के लिए कुछ लोगों को बाहर से बुलवाया है। क्या कहा तूने? आपको नहीं पता भाई जान? अगर मेरे बेटे को खरोंच भी आई तो सुन ले, हैदराबाद के एक एक गुंडे को काट के रख दूंगा। भाई जान जल्द से जल्द पहुंच। बेटे कहाँ पर हो? मैं म्यूनिसिपल दफ्तर आया था अब्बू। करीब में कोई पुलिस स्टेशन है? हाँ पुलिस स्टेशन करीब में ही है। वहाँ पहुंचकर फौरन हमारे इंस्पेक्टर से बात करवाओ। क्या बात है अब्बू? मारिया कहाँ हो? भाईजान क्या बात है? लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन पहुंचा ही नहीं। अपने लड़कों से कहो फौरन उसकी तलाश करें। बोलिए भाईजान, हैदराबाद में अपने लड़कों से हमारे बेटे की तलाश करवाओ। जी भाईजान। सुलेमान चले जल्दी चल। हैदराबाद का चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ जल्दी। उसे कुछ होना मतलब हमारी मौत होगा।
मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ देखो, कोई खबर मिले तो फौरन बताना। अरे उसे पकड़, हमारे आदमी उसके पीछे लगे हुए। अच्छा हाँ, बेहतर बेहतर। बेटा तुम्हारा बेटा मार कर आया है, मार खाकर आया होता तो अफसोस करने वाली बात थी। हमारा बेटा हमेशा इन सब चीजों से दूर रहना चाहता था, लेकिन दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। देखो अन्ना, वारदात के वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी ने वीडियो बनाया है, शाम तक सारे अखबार में सुर्खियां नजर आएंगी, रिमांड तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप ये लिखें इंस्पेक्टर साहब किसने अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाया था, और ये भी लिखें कि इसने खुद को कानून के हवाले किया है, तभी बेल मिल सकती है सहूलियत से। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन 15 दिनों के लिए रिमांड पर लेना ही होगा, ऐसा इंस्पेक्टर ने कहा है। भाईजान हमारे 3-4 लोग अंदर हैं भाईजान, पहले से वो आपके बेटे का ख्याल रखेंगे। तूने हमसे बहुत कुछ छुपाया। हम सियासतदानों के भरोसे हैं, क्या करते भाईजान, हमें माफ कर। चले जाओ यहाँ से। राजेश्वर कहाँ है? राजेश्वर मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। गाड़ी का रुख जिले की तरफ मोड़ो जी, जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको वहीं काट देना। अबू परेशान मत होइए, वरना उसे अपना मंसूबा कामयाब होता नजर आएगा। फिलहाल आप घर जाइए, इस बारे में बाद में सोचेंगे। साहब टाइम हो गया है, कोर्ट लेके जाना है। बेटा नहीं आया, कहाँ है वो? उसे जेल में डाल दिया, यही दिन दिखाने के लिए उसे शहर भेजा था आपने। ये मेरे मालिक, मेरी कोखू जल गई, मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, मेरा बच्चा। जिस रोज उसने हमारे बेटे को मारने का मंसूबा, उस रोज से उसने इस गांव से ही नहीं हमारे साथ भी धोखा किया है। जिस रोज वो इस गांव में कदम रखेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। भाईजान तेजस्वर के बेटे को मारने के लिए हमने आदमी भेजे तो उसे पता चल गया है। अब अगर हम गांव वापस गए तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस मंत्री का मसला भी लंबा ही खींचता जा रहा है। सबसे पहले इस होटल को खाली करके एमएलए हॉस्टल में चले जाओ। ठीक है भाई, ठीक है? तुम भी जाओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। श्याम के बिना गांव जाऊंगा तो लोग मुझे जान से मार देंगे। मैंने पी रखी है और ऐसी हालत में अगर गाड़ी चलाकर जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, धकेल कर ले जाता हूँ। रुक 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 रुक, मुंह सुखा।
है, सही से बजा, सही से। अच्छा सही से बजा, मजा आया कि नहीं टकले? मजाक करता है, तुमने शराब पी रखी और हमें बेवकूफ बनाता है। पी रखी है, हर गली में शराब की दुकान खोल रखी है। वो हमें आवाज लगा लगा कर शराब पीने के लिए कहते हैं, बाद में सारे पैसे छीन लेते हैं। साइकिल यहाँ छोड़ कर तो जा नहीं सकते है ना, वापस तो ले जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक काम करें आप, 7 बजे के बाद शराबियों के लिए एक बस का इंतजाम करें, ताकि हम सब शराब पीकर आराम से बस में बैठकर घर चले जाएं। बकवास बंद कर, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, लेकिन ढकेल के तो ले जा सकते हैं ना। अबे गाड़ी ढकेल कर ले जाना गलत नहीं है, दूसरे की गाड़ी ले जाना गलत है। आई बात समझ में तेरी, तुम हमारे साहब की गाड़ी लेकर भाग रहे थे। अरे पुलिस के साथ मारपीट करेगा तुझे तो, मैं तो गाड़ी छुड़ाता है ऊपर से। बकवास करता है। श्याम भाई आ गए, अमी जान को बुलाओ। सामने की तरफ सर करके बैठो बेटा। बैठो बेटा। अम्मी आप सभी के चेहरे से लटके हुए क्यों हैं? मेरा आना पसंद नहीं आया क्या? आपके आने की खुशी में माँ बोल नहीं पा रही है भाईजान। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो अम्मी? ऐसा क्यों कह रहे बेटा? अरे अम्मी सर पर इतना सारा पानी डाला लेकिन सर पोछने के लिए कपड़ा भी नहीं दिया। अरे तुझे ना मैं। चलो अम्मी। सुनो लक्ष्मी, अंदर जाना, तोहफा और मुबारकबाद देना और फौरन आ जाना, ठीक है? आप नहीं आ रहे हैं क्या? तेरी सहेली की शादी है, मैं क्या करूँगा? अगर अब्बू को पता चला कि हम अकेले गए थे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। चलिए ना भाईजान। तुम कब जा रही हो? सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले है ना, इसलिए आज अम्मी के साथ रहकर कल चली जाऊंगी। आओ बैठ, 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 बैठो बेटा, बैठो। भाईजान वो पीले कपड़े वाली लड़की कैसी है? बहुत बुरी है, क्या बात है? और वो ब्लू दुपट्टे वाली, तू पागल हो गई है क्या? लक्ष्मी भाईजान हमारी जात की यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं, अगर आप इनमें से किसी एक को पसंद कर लेते हैं तो हम अम्मी को बता देंगे और अम्मी अबू को बता देंगी और फिर आपकी शादी हो जाएगी। तू ना मेरी जान के पीछे पड़ी है। 25 साल में शादी, खुदकुशी, 28 साल में कत्ल करने की कोशिश, 32 साल में कत्ल, मतलब तू मेरा खून करवाना चाहती है? 24 साल की उम्र में शादी करना, मतलब कुएं में कूदना, और 23 साल में जहर पीना है, और 22 में फांसी पर चढ़ना है, और लव मैरिज करना, वो तो जन्नत है। 24 घंटे घर में नजर कैद। भाईजान आप एक बार उस लड़की को देखिए ना, कितनी खूबसूरत है ना भाईजान, देखिए तो सही वहाँ पर। आप ऐसे चौक गए, पसंद है क्या आपको? भाईजान बोलिए ना, पसंद है ना? हम अभी पता लगा कर आते हैं, आपकी खुदकुशी की तारीख तय कर लेते हैं। अब अप्रैल महीने की 1 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद ही बताऊंगा। किसी से मोहब्बत हो गई है? एक लड़की के जवाब का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो राजी होगी भी या नहीं। हाँ? क्या बात है, तहसीलदार और पुलिस एक साथ आए हैं? पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं। एमएलए की गाड़ी आ रही है। मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद। क्यों भाईजान, देखकर चौंक गए? आपके सामने हाथ बांध कर खड़े होने वाला कैसे मंत्री बन गया ये सोच रहे हैं? मंत्री राम प्रसाद को हटाने के बाद उसी जात के किसी और को मंत्री बनाने का फैसला वजीर आला ने किया, इसीलिए हम मंत्री बन गए। राज्य में सबसे ज्यादा वोट मिला इसीलिए हमें मंत्री बना दिया। राजभवन में कसम खाने के बाद हम वहाँ वजीर आला से भी मिलने नहीं गए, सीधा फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधा यहां तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उस रोज तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम एक एमएलए और हमारे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस जिल्लत का कर्ज उतारने हम यहां आए हैं। मिठाई में सिर्फ काजू कतली और ओहदे में वजीर आला।
इस सौदे की बदौलत हम क्या क्या कर सकते हैं देखना चाहोगे? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बवाल मचाया था ना। अगले 6 महीने में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ, देखता हूँ क्या कर लोगे तुम। क्या कहा था उस रोज कि अगर हमने खुद अपनी सीट नहीं छोड़ी तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तू मेरा कत्ल करवा देगा। आज हम इस रियासत के सभी विधानसभाओं के इलाके का मंत्री हैं। क्या कर लोगे तुम मेरा, बोलो क्या कर लोगे? Hey, अब देखना इसी जगह सबके सामने मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद तेरा सर काट डालूंगा। मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद, मंत्री राजेश्वर जिंदाबाद। भाई आपसे मिलने के लिए तेजस्वर का बेटा आया है। उसके साथ कितने लोग हैं? अकेला ही आया है। आने दो उसे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में हमसे क्या बात करोगे, जो कहना है यहीं पर कहो। मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ, वो भी बिना किसी खौफ के, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? ए, 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 ए। चलो चलो निकलो सब यहाँ से, निकलो सब यहाँ से, हम डर रहे हैं। कहो क्या कहना है तुम्हें? मिठाई में काजू कतली और ओहदों में सबसे बेहतर होता है, मंत्री यही कहा था ना। आप एक बात जानते हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल सब किलो के हिसाब से ली जाती है, लेकिन सिर्फ काजू ही 100 या 200 ग्राम के हिसाब से ही लेते हैं। एक तो लेते इतना कम है और खीर में भी थोड़ा सा कम ही डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है, यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैंने बाजी पलट दी ना, या तो रोड पर खड़ा होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने वालिद के पीछे खड़े हुए थे देखा है, आज पहली बार मैंने किसी को अपने अब्बू के सामने खड़े होकर उन्हें ललकारते हुए देखा है, और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर बहुत तकलीफ तो पहुंची, अब मैं तुझे ललकारता हूं। आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे वालिद का सिर नहीं काटा तो मैं अपने खानदान के साथ तेरे पैरों पर गिर जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे वालिद तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। क्या कहा, क्या कहा तूने? अगर तूने मेरे वालिद का सिर नहीं काटा तो मैं अपने खानदान के साथ तेरे सामने झुक जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे वालिद तेरे पैरों पर आकर गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर यकीनन काटूंगा। हाँ जब मंत्री है भाई, लेकिन तेरे वालिद आज भी वही तेजस्वर है। ललकार कबूल है या नहीं? 30 दिनों में हम तुम्हारे वालिद का सर काट डालेंगे। देखते हैं कौन क्या करता है। इसका मतलब है जैसे कि मेरे अब्बू ने कहा था वैसे ही शिवगंगा में फिर से जल्द ही इंतखाबात होने वाले हैं। चलता हूं। ए, ए, ए। आपका दिन बखैर गुजरे। इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे क्या हुआ? देखकर चला करना। जानबूझकर गिरी थी, अप्रैल फूल। चुप, दिमाग खराब हो गया है क्या? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मूड ऑफ कर दिया। ऐसा कहते हैं अप्रैल फूल वाले दिन सिर्फ एक बार बेवकूफ बना जाता है, दूसरी बार नहीं। इसलिए जिस काम के लिए जा रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। भाई जान ऑल द बेस्ट। तो मोती मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, ऊपर वाले से दुआ करना कि भाभी मान जाए। फिक्र मत कर, अगले साल तेरी भी शादी करवा दूंगा। क्यों भाई जान, इसे कौन लड़की देगा? चल जा, इसे किसी लड़की की जरूरत है भी नहीं। हमारे जिमी ने तो इस गांव में कई लड़कियों को सेट करके रखा है। क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, जहाँ इसे गेट खुला मिलता है तो किसी भी लड़की को मना कर नदी के पास ले जाता है। अच्छा? किसी दिन रंगे हाथों पकड़े गए ना तो HMB के रिकॉर्ड पर से तुम्हारी फोटो हटाकर किसी दीवार पे टांग दी जाएगी और उस पर से माला चला दी जाएगी। इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही है क्या? क्या शाम, आज गाड़ी लेकर कहाँ चलती है? आज राधा से मिलना है ना, इसलिए आया हूँ। राधा कैसे मिलेगी, अभी तो कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही हैं। बोलो शाम। ज्योति तुम कहाँ हो? मैं अपने गांव में हूँ। और राधा? हाँ ज्योति बोलो। शाम का फोन आया था मुझे, वो तुमसे मिलने आ रहा है। खुद को बड़ा अकलमंद समझती हो, इस तरह से चली जाओगी तो परेशानी कम हो जाएगी क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो सुन, ज्योति और राधा दोनों हैदराबाद आ रही हैं, दोनों बस में सवार हैं। मुझे उस बस के कंडक्टर का नंबर चाहिए। जी बेहतर भाईजान,
हाँ हेलो, कौन? मैं श्याम बोल रहा हूँ, हैदराबाद के लिए आपकी बस में दो लड़कियाँ बैठी हैं। हाँ बैठी तो हैं। मैं राजसागर के पुल के नीचे बैठा हूँ, तो उन दोनों को नीचे उतार देना। हाँ जी बेहतर है। सुनिए श्याम भाईजान आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, आप लोग नीचे उतर जाइए। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ जबरदस्ती उतरवाने के लिए माफी चाहता हूँ। जब तुम वापस हैदराबाद चली गई तो मुझे लगा कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम अपने दिल की बात बता देना। अगर तुम कहती हो कि जाओ और अगले 6 महीनों के बाद आना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जिस रोज तुमने उन गुंडों से मेरे लिए मार खाई थी, उसी रोज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी थी। मैं खुद ही नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन उस रोज तुमने जब कॉलेज में उन गुंडों को मारा, उस रोज मुझे बहुत ठेस पहुंची। तुम्हारे अब्बू को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मेरा खून ठंडा पड़ गया। मुझे नफरत सी होने लगी। जिस रोज मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को पीटा है और तुम्हें जेल हो गई, तो मेरे पैरों तले जमीन से रह गई। तुम्हारी मोहब्बत को मैं अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस दिल ही दिल में घुट रही हूँ। मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि हंसू या रोऊं। मेरे अब्बू ने मुझे हैदराबाद इसलिए भेजा था ताकि मैं इस माहौल से दूर रहूं, लेकिन जब मैंने उस्ताद को जलील होते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। दुनिया में सबसे अफसोस की बात है एक शौहर का अपनी बीवी के सामने जलील होना, बस इसलिए मैं बेकाबू हो गया। अगर उस रोज मैं उन गुंडों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। एक चूहा भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से लड़ बैठता है, क्या मुझे अपनी जान बचाने का कोई हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी अम्मी को बताना चले। क्यों, मुझ में कोई बुराई है? तुम में कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारा माहौल खराब है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। सब कुछ से मुराद मतलब किसे? अम्मी अब्बू को या अपनी बहन को छोड़ दूं, रिश्तेदारों को या अपनी पैदाइशी जगह को या उस मालिक को जिसके साए में हम जीते हैं? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने अब्बू को। ए! मेरे अब्बू के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। तुम्हें अंदाजा भी है वो कौन है? छोटी दुकानों पर मारपीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद नदी के पास कत्ल होने के बाद पुलिस ने 6 महीनों तक तहकीकात की और फिर उन्हें 5 साल की सजा हुई। उसके बाद उनका परिवार सड़क पर आ गया। तुम्हें उनके माजी के बारे में पता है? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो अब्बू उन्हें बुलाकर दोनों गिरोह में सीधे सुलह करवाते हैं और किसी के साथ भी ना इंसाफी ना हो, इतने इंसाफ पसंद है मेरे अब्बू जी। हथियार उठाने वाला हर इंसान अगर बुरा होता है ऐसी बात है, तो वो सारे जाबाज सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए हथियार उठाए वो क्या गलत थे? दूसरों पर जुल्म करना गलत होता है, लेकिन सालिम का जुल्म खत्म करना गलत नहीं है। सुनाया प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन वालदेन को छोड़ दो कहने वाली पहली लड़की बस तुम ही होगी। एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीना कोई जिंदगी नहीं होती। जैसे तुम्हें तुम्हारी अम्मी प्यारी है, वैसे मुझे मेरे अब्बू जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए बच गई तुम। अगर यही बात किसी और ने कही होती ना तो उसके टुकड़े कर देता मैं। मुझे इनकार करने के लिए तुमने कोई दूसरी वजह बताई होती तो मैं मरते दम तक तुम्हें याद रखता, लेकिन मुझसे दूर जाने के लिए मेरे अब्बू की आड़ ली, उसी पल में तुम्हें भूल गया। राजेश्वर। हाँ हाँ दोस्त, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ शिव गंगा में अचानक हमारा ट्रांसफर हो गया, कोई खास वजह? एक छोटा सा मसला है। मुझे क्या करना है? उस तेजस्वर को गिरफ्तार करके एक दिन के लिए सलाखों के पीछे डाल दो, फिर अपने लोगों की मदद से हम उसका किस्सा वही खत्म कर देंगे। जेल ले जाने से पहले 2 मिनट के लिए हमारी मुलाकात कराना, उसके मुंह पर तमाचा रसीद करेंगे। वो किस लिए? बिल्कुल ऐसे ही उसने मुझे जलील किया था, इसलिए। वो इस इलाके की ऊंची शख्सियत है, उन्हें ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हैदराबाद शहर के करीब जाली नोट चलाते हुए हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। उसने शिव गंगा के एक आदमी का नाम बताया है, उसके पास 1 लाख रुपए के जाली नोट है। वो मामला हमारे पास आया, जब हमने सख्ती से तफ्तीश की तो उसने मुझे तेजस्वर का नाम बताया। जाली नोटों का कारोबार चलाने वाला और कोई नहीं, तेजस्वर है, ऐसा हम कहेंगे और उसके घर से 10 लाख के जाली नोट बरामद करेंगे। ये मंसूबा है या कुल्हाड़े पर पैर मारने के लिए कह रहे हो तुम? उसके घर में जाली नोट कहां से आएगा? इतनी बड़ी सल्तनत है, आपका आला मुकाम है, इतने लोग मौजूद है, आप इतना सा काम भी नहीं कर सकते क्या? ए, 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 ए। क्या खूब बात कही, दिल खुश हो गया। कहां थे तुम? किसने किसका पत्ता काटा? पता नहीं श्याम। ठीक है अभी आता हूँ। कहिए जनाब। आपके घर शिवगंगा से डीएसपी के मातहत सर्च वारंट के साथ एक दस्ता आ रहा है। इसकी वजह क्या है हमें अंदाजा नहीं है। ये राजेश्वर की ही हरकत होगी, अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठा रहा है।
ये अपने आप नहीं गिरा, तोड़ा गया है। हाँ श्याम, श्याम वहां देखो, चलो ऊपर चल के देखते हैं। कल रात हमारे घर जरूर कोई आया था, कुछ लेकर तो नहीं गया है लेकिन कुछ रखा तो जरूर है। हर कोना तलाशने में एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, उससे पहले पुलिस पहुंच जाएगी। आप एक काम कीजिए, घर बंद करके राइस मिल चले जाइए, दो घंटे के बाद आइएगा। ठीक है बेटा। जल्दी करो जल्दी, इधर देखो कुछ मिला। ए बुढ़िया, ये घर किस लिए बंद है? बहू मायके गई है और बेटा मील पर गया है, आते ही बता देंगे। जरा तकिया में तो देखना, नीचे उतारना। अरे इसमें कुछ नीचे नहीं उतारना। देखता हूँ। क्या बात है, आप लोग यहाँ? जरा देखना तकिए के अंदर क्या है। अरे इसमें कुछ है। मेरे घर में नकली नोट, ये किसने कहा आपसे? आपको बताना जरूरी नहीं है, हमारे पास सर्च वारंट है। ये तो नकली नोट है। चलो आइए जनाब, देखिए घर का कोना कोना तलाशिए। जनाब देखो, वहां भी देखो, यहाँ भी देख लीजिए। देखिए तकियों का आप ऐसे देख रहे जैसे किसी ने आपको कुछ खास तौर पर बताया हो। कुछ हाथ लगा क्या? वक्त बर्बाद हुआ। अरे इतने लोग अंदर कैसे आ गए? क्या बात है, पूरा घर छान लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन गिरफ्तार तो कर ही सकते हो ना? बिना वजह के गिरफ्तार नहीं कर सकते। अरे तो कुछ भी करो, किसी भी बहाने उसे गिरफ्तार करो, उसे तमाचा मारने के लिए हमारे हाथ बेचैन है। जनाब तेजस्वर साहब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे? इसलिए आपके घर सर्च करने के लिए आए थे, कुछ हाथ नहीं लगा ये लिख कर देने के लिए। अरे सलाम डीएसपी साहब, कोई नया कानून आया जो आप किसी को भी बिना वजह पुलिस स्टेशन ले जाएंगे? क्यों लेकर जाएंगे? कानून की किताबें हमने भी पढ़ी है, आपको माफीनामा लिख कर देना होगा कि तलाशी में आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है? और कानून भी यही कहता है इन्हें गिरफ्तार किए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। ये नामुमकिन है जनाब, इन्हें गिरफ्तार करके आप यहां से हिल भी नहीं सकते। गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, कितनों को गिरफ्तार करेंगे? किसी ने बोलकर भेजा है क्या? अब सब लोग वीडियो बना रहे हैं। बंद करें, रिकॉर्डिंग बंद करें। ये तो कुछ भी नहीं है, जरा वहां पर नजर घुमाएंगे। इसमें क्या है जानते हैं? जब से आप आए, बात की, अंदर दाखिल हुए, फिर बाहर आए और ये कहा कि कुछ भी नहीं मिला, फिर भी जबरदस्ती हमारे अब्बू को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं आपका ये वीडियो वजीर आला को सीधे भेज दूंगा और आपको मैसेज आएगा कि आपकी मुलाजमत छीन ली जाती है। क्या वो हड्डी अटक गई क्या? आपका फोन बज रहा है। काम हो गया क्या? यहाँ सारा गाँव इकट्ठा हो गया, हर कोई वीडियो बना रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। संभल कर जाइएगा डीएसपी साहब, हमारे गांव के लोग मेहमानों की ऐसी खातिर तवाज़ो करते हैं। अरे वो हमसे डरकर झूठ बोल रहा है, छोड़ो उसे। नहीं जनाब, ये सच कह रहा है, हम इसे जानते हैं, ये बहुत शातिर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। अरे कल के दुश्मन, तुम एक चोर की तारीफ कर रहे हो, अपनी वर्दी दे दो इसे। तेजेश्वर का बेटा बड़ा हार लेकर के आ रहा है। मंत्री जी को हार पहनाना, वो इस वक्त बहुत मशरूफ है, हर किसी से नहीं मिल सकते। चुप रहो, वहाँ तो खड़े हैं हमारे प्यारे मंत्री जी। एक मामूली एमएलए से मंत्री बन गए, इसलिए हमारे गांव के लोग आपकी इज्जत अफजाई में हार पहनाना चाहते हैं। फतेह हायब होने से पहले आप इनके गली कूचों में जाकर वोट मांग रहे थे ना, वही लोग आपके मुंतजिर है तो अच्छा नहीं लगता ना। उन्हें ऊपर आने दो। पिस्तौल भरी हुई है ना? जी हाँ। बेहतर, वो जो कुछ भी करेंगे हम उसका वीडियो बना लेंगे। हाँ बनाओ बनाओ। हमारे प्यारे मंत्री जी, तालियां तालियां। मंत्री जी क्या बात है, आपका चेहरा बहुत ही फिक्रमंद लग रहा है, मानो कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई हो आपकी। मंत्री जी को पूरे रियासत के फिक्र खाती है ना। ये ताली है या गाली? अरे बस करो बस करो। लोगों को खुशी मिल गई, अब हम चलते हैं। मंत्री जी, डीएसपी साहब आपका कैमरा ऑन है, बैटरी खत्म हो जाएगी, बंद कर दीजिए। प्यारे मंत्री जी, अकल के घास चढ़ने जाती है, एक वीडियो बनाने के लिए कहा वो भी नहीं बना सकते, उन्हें भी पता चल गया कि तुम वीडियो बना रहे हो, लानत है तुम्हारे जैसे डीएसपी पर। थू मालिक, आपके लिए फोन। क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फोन पे ना करके दूसरे के फोन पर क्यों कॉल किया? Hey. अगर तुम्हारे फोन पे बात करूंगा तो तुम रिकॉर्ड कर लोगे और हमें फंसा दोगे। हमारे अबू भी आज तक चप्पल पहनकर घर में दाखिल नहीं हुए और तुमने पुलिस वालों को जूतों समेत इबादत गाह तक भेज दिया। अब क्या कर लेगा तू? हमारे घर में तुमने जो 4 लाख भेजे थे ना, कड़क कड़क नोट हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा दिए हैं। hey, 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 hey. तुम ये पूछ रहे थे ना कि वो ताली है या गाली, वो असल में एक सिग्नल था कि काम हो चुका है। तुमने हमारे घर पर रियासत की पुलिस भेजी, लेकिन तुम्हारी बारात का बैंड सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो वाले बजाएंगे, उनके सवालों से तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी। बहुत ज्यादा उड़ रहा है तू। वो लोग तुम्हारे घर के लिए निकल चुके हैं, तलाश कर सकते हो तो तलाश करो। घर में जाली नोट है, जल्दी तलाश करो, जल्दी जल्दी।
अरे जल्दी जल्दी ढूंढो, क्या हो रहा है ये सब? अरे ऊपर जाओ, क्या कर रहे हैं लोग? जल्दी करो, जल्दी ढूंढ कर निकालो, जल्दी। जनाब आपका स्वागत। क्यों मंत्री जी, अब तक तो तुम्हारा मकान कबाड़ खाना बन गया होगा, लेकिन छोटी सी गलती हो गई। जाली नोट तुम्हारे घर में नहीं, घर के बाहर सफेद कार में रखे। अरे सफेद कार में है, उस पर तलाश करो, उस तरफ देखो, अरे पीछे देखो, पीछे नीचे देखो, नीचे नीचे। इधर क्या देख रहा है? नीचे देखो, गाड़ी को पलट दो, पलटो पलटो, ढूंढो इसमें। अरे ढूंढो ढूंढो ढूंढो, फोन करता हूँ उसे। शराफत से बोल, पैसे कहाँ हैं? भी क्या जल्दी है, आप जैसे पत्नियों से छुपाकर जहाँ रखते हैं ना, वहीं रखे हैं। hey, hello. Hey, पत्नियों से चीजें छुपाकर कहाँ रखते हैं? डिब्बे में। hey, चुप भाईजान, दूसरी वाली के पास। अरे तेरी तो खेत में। मंत्री जी स्टेपनी में देखना चाहिए। अरे टिक्की में देखो, जल्दी जल्दी, चलो जल्दी देखो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। Hey, 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 keep आगे, चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो। आदाब जनाब, हम नगर पालिका से आए हैं। हमें कॉल आया था कि मंत्री जी के घर बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, इसलिए दवा छिड़कने आए। बताइए कहाँ छिड़के दवा? अच्छा अच्छा, अभी अभी हमारी गाड़ी को हजारों मच्छर पलट कर उस तरफ चले गए, वहाँ जाकर छिड़को। क्या मजाक कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा। सुनिए जनाब, हमने सीबीआई या एंटी करप्शन को कोई कॉल नहीं किया है, मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों को कॉल किया था। मुझे लगता है कि उनकी दवा से बेकसूर मच्छरों को नहीं मारना चाहिए, तेरे जैसे गुनहगार को पिलाकर खत्म कर देना चाहिए। एक और फोन गया, कच्ची उम्र का है लेकिन बुरी तरह तंग कर दिया उसने मुझे। एक खूबसूरत लड़की जब खुद बात करने आई है तो कोई जरूरी काम नहीं हो सकता, तुम जाके आराम से बात करना। कहो किस लिए बुलाया, क्या हुआ? क्या तुम मुझे कबूल करोगे? इसी वक्त मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक इतना बड़ा फैसला? मैं सच कह रही हूँ, उस रोज मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम मुझे भूल जाओगे, तब से तुम्हारी याद मुझे और सताने लगी है। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे गुंडे मवालियों से मार काट से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तुम इनकार मत करना। इस साल हमारे गांव के मेले में फिल्मी सितारों को बुलाने की सोच रहे हैं, आप किसे बुलाना चाहिए? खामोश, अगर आप लोग कहें तो हम शाहरुख खान को जानते हैं, हम उन्हें बुला सकते हैं, 30,000 रुपए लगेंगे। 30,000 किस लिए? हवाई जहाज के टिकट के लिए। आपको कौन सा वाला शाहरुख खान चाहिए ये बता दें। ये लो 10,000 रुपए एडवांस। जी ऐसे शाहरुख खान लाएंगे कि आप सबका दिल खुश हो जाएगा, आप लोग सिर्फ ये बताएं कि शाहरुख की तरह दिखने वाला चाहिए ना। जी वो सही है, आइए 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 आइए, आपके चाहते शाहरुख खान, आप सबके सामने आपका अपना पसंदीदा नगमा गाएंगे। आप ही लोगों ने तो कहा था कि आप लोगों को ऐसा शाहरुख खान चाहिए जिससे आप लोगों का दिल बहल जाए, ये देखे छोटा शाहरुख। कितना बढ़िया गाता है ये। तूने तो कहा था शाहरुख खान को लेकर आएगा, छोटे बच्चे को लेकर आए। इसके मोहल्ले में सब इसे शाहरुख ही कहते हैं। तूने हमें बेवकूफ बनाया। सुनो, आप लोगों ने कहा था ना कि शाहरुख चाहिए, तो शाहरुख खान चाहिए तो मैं शाहरुख खान को यहाँ ले आया। अब आप लोग अपनी जबान बदलेंगे तो ये गलत है ना, अब इसमें हथियार निकालने की क्या जरूरत है। अभी तुझे बताते हैं कि असली शाहरुख खान कौन है। हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। अरे बाप रे, अब्बू की गाड़ी है। क्या होगा, हमारे पीछे ही गाड़ी आ रही है। चेहरा ढककर रखना, शायद उन्होंने हमें देख लिया। उतरो उतरो। सुनो, उनके नजदीक आते ही उनके पैर छू लेना। अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन शादी में दिखी थी, पर ये भाईजान के साथ क्या कर रही है? मेरी बहन। छोटी को देखकर घबरा गए क्या? क्यों भैया, यही है आपका अप्रैल फूल, बाइक पर घूम रहे हैं, इसका मतलब पहले से जान पहचान है। नहीं, आज पहली बार वो मोहब्बत होने से पहले मुझे सब बताते थे, अब कुछ भी नहीं बताते, सब पूछना पड़ता है। ठीक है, मैं अम्मी अब्बू से कुछ नहीं कहूँगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारे वालदैन कितने अच्छे होंगे। मैं उनसे कल ही आकर मिलती हूँ। हाँ देखना मैं कैसे आती हूँ। क्या बात है? मुझे आपके मालिक से मिलना है। यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ।
अरे कहाँ चली आ रहे हैं? अरे मैंने आपको रुकने के लिए कहा था, यही रुकिए। अरे मेरे मालिक के इधर भी आ गई, पता नहीं अब क्या होगा। ये आपसे मिलना चाहती थी, हमसे इनसे रुकने के लिए कहा, लेकिन ये हमें दुआ दीजिए। अरे पहले माजरा क्या है वो तो बताइए। मैं नई कंपनी से आई हूँ, सुना है कि आप सबकी परेशानी सुलझाते हैं, क्या आप एक लड़की का मसला हल नहीं करेंगे? बेटी अपना मसला तो बताएं। अरे साबुन निकाल रही है, इससे किसकी धुलाई करेगी ये? मुझे मेरी कंपनी ने एक सुपर साबुन का एजेंट बनाया है, अगर आप ये साबुन खरीदेंगे तो सभी लोग खरीदेंगे, आपके कहने पर वोट डालते हैं तो साबुन तो खरीद ही सकते हैं ना। लक्ष्मण जी मालिक, साबुन खरीद लो जी। और बाकी लोगों से भी कह दो। जी जी मालिक। बेटा 10 साबुन खरीद ले। ठीक है अम्मी। गंगा आपने बुलाया, क्या हो रहा है यहाँ? वो बिल्ली बैठी और ये बिल्ली की कहानी सुनानी बंद करो। मैं जानती हो वो लड़की कौन थी? नहीं पता। लक्ष्मण जी मालिक, लड़की को लेकर आओ। जी श्रुति। लड़की को देख कर तुम दोनों भाई बहन इशारा करने लगे थे, कौन है ये लड़की? आइए अंदर आइए। तशरीफ रखो तशरीफ रखो। अपने वालिदैन का नाम बताओ। अब्बू गुलाब राव और अम्मी कलावती। तुम्हारे वाले गुजर चुके हैं ना, आप बेहतर जानते हैं। यहाँ आई हो तुम्हारी वालिदा को पता है? उन्हें पता है। कोई तुम्हारी मोहब्बत कबूल न करे तो क्या करोगी? जान ले लेंगे। मेरे कहने का मतलब है खुद की जान ले लेंगे। गंगा अपनी बहू का इस्तकबाल करो। जो लड़की मेरे बेटे के लिए जान दे सकती है वही हमारे घर की बहू बनने का काम करेगी। अभी आओ 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 बेटी, तुमसे ही इस घर का चिराग रोशन होगा, सदा खुश रहो। ये हमारी खानदानी चूड़ियां हैं, आज के बाद तू इसे पहनेगी। ये भाईजान तावल के ताजिर एक जलसा करने जा रहे हैं, उसमें तेजस्वर मेहमान खास हैं। अच्छा सुनो भाई, तुम जरा बाहर जाओ। ए, चलो बाहर जाओ। नया ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? भाईजान वो खुद ही आ गया भाईजान। हाँ, उसे हम यहाँ नहीं मार सकते, लेकिन दूसरे शहर में जरूर मार सकते हैं। उसके आने जाने की सारी तफसील जमा करो। 1 किलो चावल का दाम 50 रुपए हो गए, लेकिन बोरों के दाम नहीं बढ़े। किसान कड़ी मेहनत करता है और उसे अपने हक का पैसा नसीब नहीं हो रहा है। हमने इसी के लिए इस जलते का एहतराम किया है, अब आप ही फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। मंत्री की चाल चले। भाईजान इस हाँ। खेल का नाम बताएं। चेस। सेक्स। खवातीन बैठी हैं। ये गोरे लोगों ने भी अपने खेल का नाम बहुत सोच समझ के रखा है। ये लीजिए मालकिन। अरे अरे क्या कर रहा है तू? अरे अरे पकड़ उसे। देखो जो इस मुर्गी को पकड़ेगा उसे बड़ा सा इनाम दूंगी। चलो चलो ए मेरी मुर्गी, तुम उस मुर्गी को पकड़ पाओगी? ये यहाँ क्या कर रहा है? पकड़ो। मुझे नहीं मुर्गी को। मुझे तो अपनी मुर्गी से मतलब है। भाईजान मुर्गी को जरा कस के पकड़ना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे 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 लो पकड़ो इसे, और कहना तुम्हें नहीं पकड़ा है, जाओ। देखा बेटा मेरी बहू मुर्गी पकड़ कर रही है, आज मैं तुझे एक बड़ा सा इनाम दूंगी। जा रे बेटा इसको काट दे। हाँ, अरे क्या हुआ भाभी? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? उनसे कहो मुर्गी ना काटे, गुनाह मिलेगा। तुम इसके लिए रो रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लक्ष्मण उस मुर्गी को छोड़ दे। बेटी अपनी अम्मी से कढ़ी बनाने के लिए कह दे, एक दिन से कुछ नहीं होगा, आज कढ़ी खा लेंगे। ठीक है अबू। क्या बात है, हम तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं, तुम बाहर किसका इंतजार कर रही हो? आज 2 साल के बाद आए हैं ना, तो हाँ? हमारे सारे रिश्तेदार हाँ? वालदैन भाई बहन सभी मिलने आ रहे हैं हमसे। बाजी हाँ? ये रखे अपनी साइकिल। साइकिल? आपके शौहर ने साइकिल चेन ठीक करने के बाद साइकिल घर पे छोड़ने के लिए कहा था। मैंने कब कहा था? अरे आप नहीं, बाजी के शौहर ने कहा था। आप कौन उनके दोस्त है क्या? अरे ये क्या बकवास की चाल है। 6 नंबर का मकान यही है ना, जिन्होंने साइकिल बनवाने दी थी वो आपके शौहर है ना, तो पकड़े अपनी साइकिल और तय कर ले कि कौन पति और कौन दोस्त। अरे ये क्या, हमारी पीठ पीछे ये बोल रहा है तुम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हम गली का नाम पूछना तो भूल ही गए। अच्छा भाई पोस्ट ऑफिस वाली गली से कहते हैं? नहीं ये तबेले वाली गली है। अरे बाप रे, हम तो दूसरी गली में छोड़ के आ गए। बचाओ। अरे बदमाश मेरी बहन को मारता है। बचाए, बचाए। मारो इसको। मारो। क्या हो रहा है?
ए, हमारे गांव के लोगों को मार रहा है, आ जाओ सब लोग जल्दी चलो। ये ले। अरे बल्लू हम टिंकू बोल रहे हैं, जल्दी आ जाओ, ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे मार मेरी ये जल्दी से पूरे गांव इकट्ठा हो रहे हैं, हमारे गांव वालों को मार रहे हैं, चलो मारो। ये तो पूरा मैदान जंग बन गया, ऐसा नजारा तो हम पहली बार देख रहे हैं। माजी हमसे कोई भूल हुई है क्या? तुम्हारी एक साइकिल की वजह से पूरा गांव खत्म हो गया। क्यों मार रही है? अभी तो फिल्म शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है, अब देख मेरा कहर। उसकी कार का पीछा करने के लिए कहो, गांव के करीब एक लॉरी तैयार खड़ी रहेगी, वो लॉरी उसके कार को जोरदार टक्कर मारे। ठीक है भाईजान। ये काम किसे सौंपा है? माफिया गिरोह के लोग भाईजान। खुशखबरी मिली तो एक जिला उन्हें दे देंगे, उनकी किस्मत खुल जाएगी। बेहतर है भाईजान। कहो बेटा। कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या? शायद उन्हें मालिक के सफर की भनक मिल गई है। उनका जाना जरूरी है, रद्द नहीं हो सकता। हाँ, दावत नामे में उनका नाम सबसे ऊपर है, जाना ही पड़ेगा। बात क्या है, हमें तो बताओ। शायद मंत्री के कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, बेहतर होगा आप कार से नहीं ट्रेन से सफर करें। ट्रेन से सफर करें बेहतर। हेलो, ये मंत्री जी का मकान है जी, कहिए। आपको बता दें कि तेजस्वर कार से नहीं ट्रेन से जा रहे हैं। सुनिए, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो अबूजान, मीटिंग खत्म होते ही रात में सफर मत करना, सुबह निकलना, और आप होटल में नहीं ठहरना। बेहतर। राइस मिल के मालिक से बात कर लिए, वहीं पर ठहरिएगा। बेहतर। तेजस्वर ट्रेन से ही जा रहा है। अपने लोगों को पहले ही सवार कर देना और उसके बाद अपने लोगों के साथ मिलकर जहरीले चाकू से उन्हें मौत के घाट उतार देना। श्याम, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, चलो हम भी ट्रेन से ही चलेंगे। उस पर कम से कम 25 से 50 जख्म होने चाहिए, ये इस रियासत का आज तक का सबसे घिनौना कत्ल होगा। हेलो, मैं भी अबू के साथ ही जा रहा हूँ, तो कल वापस आऊंगा। हेलो, तेजस्वर ट्रेन से नहीं कार से रवाना हुए हैं। अरे हमने मजाक किया था। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? हेलो भाईजान, सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। भाईजान वो लोग इधर ही आ रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी। देखना हो किस डिब्बे में चढ़े हैं। चलो अंदर जल्दी। इन्हें कैसे पता चला अबू ट्रेन से रवाना हुए हैं? तुम आखिरी कोच से पहले कोच तक जाओ, बीच में कोई भी टकराए तो फौरन मुझे कॉल करना। जाकर देखो तेजस्वर कौन से कोच में है, समझे? भाई जाओ। तुम उसके पीछे ही चलते रहना। मेरे अबू की जान लेगा? बोसते रामपुर आते ही वो अबू पर हमला करेंगे, तुम लोग वहां पर जाना और अबू के साथ ही रहना, उनके साथ ही कोच में रहना। मैंने कॉल करके अबू के लिए कार का इंतजाम किया है, उसी कार में उन्हें भेज देंगे। कॉल करने के लिए कहा ना, कॉल कर। बोलो बेटा क्या हुआ? देखिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हमारे लिए क्या हुक्म है? दो गाड़ी भरकर जल्दी से भेजिए। स्टेशन आते ही हमारे लोगों के साथ मिलकर उन कमीनों की ऐसी पिटाई करेंगे कि जिसमें वे बस सांसें ही चलती रहेंगी, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने जैसा कहा है वही करना, ठीक है? आइए जनाब, आइए जनाब, आइए जनाब, आइए जनाब, बैठिए। कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं? मैरून कलर के कॉलेज में। अपने प्लान के मुताबिक उस गाड़ी को उड़ा दो। जी बेहतर है। ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अच्छा चलो। है वो तो कब का ट्रेन से उतर गया? क्या तुम लोग उसका जल्दी से पीछा कराओ। ये कौन है? उसका बेटा है भाई। गाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। मैं तैयार हूँ।
गाड़ी आ गई है, उड़ा दो। ठीक है। उम्दा बिस्किट है। काम हो गया। ठीक है ठीक है। अरे अरे ठीक है। अरे सब लोग तो मारे गए। बड़ा एक्सीडेंट हुआ। क्या हुई? सब लोग मारे गए। ठीक है। एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ करता हूँ। पुलिस को बुलाओ। तुझे क्या लगता है तू ही दूसरों के फोन से बात कर सकता है? हमने तेरे वालिद को गांव के करीब लॉरी से मरवा दिया। बिखरे पड़े होंगे, जाकर बटोर ले। उन्हें दफनाने के बाद अपनी वालदा और बहन को लेकर आना और हमारे पैरों पर गिरना। चला जा। खड़े से भाईजान, हम लोग यहाँ हाईवे पे, आप जल्दी से आ जाइए। अबूजान फोन उठाइए, पुलिस को फोन कीजिए। जल्दी आइए। चलो हट 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 एक लॉरी वाले ने उड़ा दिया। लगता है वो नशे में था, एक्सीडेंट करके भाग गया। वो उनको मारने के लिए नहीं, हाँ? आपको मारने आए थे। हाँ? तूने मेरी इज्जत उतरवा कर रख दी। उसे उसकी वालदा और बहन के साथ यहाँ आकर पैरों पर गिर जाने के लिए कहा था, अब वो मुझसे मेरी बीवी को लाने के लिए कहेगा। भाईजान आपने मरून रंग की कॉलेज कही थी वो। अरे अकल के दुश्मन, सारी लड़कियां एक जैसी होती है, लेकिन होती तो नहीं ना। पता करके वो लड़की जिसने हमें कॉल किया था, वो या तो उसकी दुश्मन है या हमसे बैर है उसे। इस नासूर को अब काटना ही होगा। दुरुस्त कह रहे हो बेटा। अगर वो शिवगंगा से कार लेकर आएगा तो कार लेकर ही वापस जाएगा। अगर वो रामपुर के रास्ते से जाएगा तो बीच रास्ते में ही उस पर मौत की मोहर लगा देंगे। पुल के पास एक डाइवर्शन का बोर्ड लगाकर गाड़ी का रास्ता बदल देंगे और पुल के साथ ही गाड़ी को उड़ा देंगे। अगर पुल के धमाके से भी वो बच जाता है तो आगे नदी के करीब लॉरी से उसकी गाड़ी को उड़ा देंगे। अच्छा आइडिया है शाह। अगर वो फ्लाइट से गया तो? रास्ते में तालाब के पास एक पक्की सड़क है, वहाँ करीब में ही आम का बगीचा है, उसके पास वाले पेड़ को काट देंगे। जब वो डर कर गाड़ी से उतरेगा तो वहीं उसे दफना देंगे। अगर उस हादसे में भी वो नहीं मरा और भागने की कोशिश की, अगर वो ट्रेन से कहीं रवाना हुआ तो मैं अकेला जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे? जब वो ट्रेन में चढ़ेगा तो हजारों लोग नारेबाजी करेंगे। रामपुर से 10-15 लोग खाना लेकर चढ़ेंगे। इस तरह सारे डिब्बे में हमारे ही लोग होंगे। हैदराबाद आती बाकी लोग सेकंड क्लास में जाकर सो जाएंगे। वो तन्हा सो रहा होगा। मैं जाकर तकिए से उसका मुंह बंद करके उसका खेल खत्म कर दूंगा और नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाऊंगा। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे पड़ी मिलेगी। अब वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, मुझसे वो बचेगा नहीं। ये लो बेटा कॉफी। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी मालिक, इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा। नहीं मालिक, देखता। मैंने थोड़ी सी पी ली है पर किसी से कुछ कहना नहीं। आइए आइए, आप बैठिए। चलो जल्दी आओ, बैठो मेरे साथ। देखना घर में कोई कुछ भी ना खाने पाए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस कॉफी को डॉक्टर को दिखाना होगा और पता लगाना होगा इसमें क्या है। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी देखिए हमारे मालिक को। परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस इस बात की खबर बाहर वालों को ना होने पाए।
घर में कोई नया आदमी आया था? ऐसा तो कोई नहीं आया छोटे मालिक। बताती हूँ, पहले स्त्री वाला आया था, फिर मछली बेचने वाला आया था। सच बताओ बेटा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ मछली बेचने आया था। जरा सोचना चाहिए था पानी पीने से पहले भी। अब 100 बार सोचते तो फिर आज ऐसे कैसे एक बार परख लेते। अपने घर का पानी पीने के लिए सोचना पड़े तो मुझसे बदकिस्मत कौन होगा। बेटा श्याम, अंदर चलो, कुछ कहना है। सुबह मैंने सबके बारे में बताया, लेकिन राधा के बारे में नहीं बताया। जब मैं रसोई में कॉफी बना रही थी, तब राधा वहाँ पर आई थी। फिर क्या हुआ? अम्मी जन का है, वो गाय को चारा खिला रही है। अच्छा, आपको यहाँ काम करते हुए कितने साल हो गए? हाँ, मैं इस घर की खान सामा हूँ। इस बात का एहसास आज तुमसे हुआ बेटी। ठीक है, मैं अम्मी जान से मिलकर आती हूँ। वो ना तो तुम्हारी वालदा से मिली, ना पलट कर लौटी, बस खामोशी से रसोई से चली गई। ए, किसके मुताल्लिक क्या बोल रही हो? उसकी चप्पल वहीं पड़ी है, चाहो तो जाकर देख लो बेटा। भाई जाने खबर मिली है, किसी लड़की ने फोन करके बताया था कि मालिक ट्रेन से जाने वाले हैं। आप संभल कर रहिएगा भाईजान। यही चप्पल पहनकर आई थी ना तुम? वहां आने का क्या मकसद था? उस बुजुर्ग खातून को मीठी मीठी बातों में फुसलाने का या मेरे अब्बू को जहर देने का? बोलो। मैं बताती हूँ, तुम्हारे अब्बू को मारने के लिए मैंने ही इसे वहां भेजा था। कह दो कि ये झूठ है, जवाब दो, जवाब दो। तुम्हारे वालिद को जहर देने पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, और हमारे बेटे को तुम्हारे वालिद ने जब बीज बाजार में जान से मारा था तब। तेजस्वी के खिलाफ बोलता है। उसी दिन मैं तेरे अब्बू को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उनका रुतबा और इज्जत होने के कारण मैं चुप रह गई। लेकिन एक दिन मैंने तुझे अपनी बेटी से बात करते देखा, और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर बदला लेना है तो यही एक रास्ता है। लड़की होने की वजह से मैंने इसके हाथों से वहाँ जहर भिजवाया, लेकिन अगर लड़का होता तो उसके हाथों में तलवार होती। अपने बाप की यादों से दूर रहे, इसीलिए मैंने अपनी खुद की बेटी को इतने सालों तक दूर रखा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी वालिद की मौत में मेरे वालिद कहाँ थे या नहीं, लेकिन मेरे वालिद से बदला लेने के लिए तुमने मुझसे झूठा प्यार किया, मेरे मोहब्बत को अपनी ढाल बनाई, मुझे जिंदा दफना किया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बहन। मैं तुम्हारे शौहर की मौत की वजह नहीं हूँ। तुम्हारे शौहर अपनी मर्जी से इंतखाबात में खड़े नहीं हुए थे। हमारी बिरादरी के वोट कट जाएं, इसलिए तुम दुश्मनों से रिश्वत लेकर इंतखाबात में खड़े हुए? शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ए, बात को घुमाओ मत, अपना नाम इंतखाबात से वापस ले लो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मानिक को मार दो। लेकिन भाई, तभी इल्जाम बिरजू पांडे पे आएगा और वोट हमें मिलेगा। पूरा गाँव जानता है मैंने उसका खून नहीं किया, ये इल्जाम मुझ पर क्यों? जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, मैं फौरन इसको बताना चाहता था, मगर इसने कहा कि तुम्हें मालूम है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें हकीकत मालूम है। तुम किसी के बहकावे में आकर इसके दिल में जहर भर दिया और इस बच्ची को गुनहगार बना दिया। इसे दूसरे के घर में जिंदगी बितानी है, यह सोचकर मेरा दिल रो रहा है, क्या बोलूं मैं। तुमने सिर्फ मेरे साथ धोखा नहीं किया, हमारे वालदैन बहन सारे खानदान के साथ, अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ तुमने धोखा किया। बाजारों भी थूक कर चली जाएगी अगर उससे झूठा प्यार करने के लिए कहा जाए तो। सल्लिया, सल्लिया नामी, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैं अपने बातों में आ गई, मुझसे गलती हो गई मुझसे। हम
हमने टेलीफोन बूथ का पता लगा लिया है, लेकिन करीब में लेडीज कॉलेज होने की वजह से पता नहीं। एक लड़की के मुतालिक तुम लोग पता नहीं लगा सके। छी, कल विधानसभा में मुखालिफ पार्टियों के सभी हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम इस बात को भले ही दबा दें, लेकिन वो लोग इस बात को जरूर उछालेंगे। आज ही रात उसके घर पर 50 लोगों को लेकर जाओ और बिना किसी को शक हुए ऐसे हमला करो जिससे तेजेश्वर और उसका बेटा दोनों मारे जाएं। और अगर कोई गांव वाला बीच में आए तो उसका सर भी धड़ से अलग कर दो। भाईजान, ऐसे खुल्लम खुल्ला करेंगे तो सबको पता चल जाएगा। हमारे लोगों को नजर रखने के लिए कहो। आज रात ठीक 10:30 बजे बिजली महकमे में उस गाँव की बिजली काटने के लिए कहना। उस दौरान किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई फोन आए तो उसे उठाने से मना कर देना। अब वो ड्राइवर इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेजस्वर की वजह से आ रहा है क्या? पता लगाओ कि वो कौन है, यहाँ किसने भेजा और भेजने वाले के साथ इसका क्या रिश्ता है। भाईजान जाकर पूछिए ना क्या बात है। मुझे नहीं जाना। आप अब्बू को जानते हैं ना? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? वो तो अपने दुश्मनों से भी प्यार से मिलते हैं। जाइए ना भाईजान। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी तलब करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने जो गलती की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ये सच है कि मैंने अबू जान की कॉफ़ी में जहर मिलाया, वैसे ये भी सच है कि मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा है। तुम्हें अपने अबू का वास्ता, मेरी मोहब्बत पर शक मत करना। भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस लड़की ने जो कुछ भी किया अपने माँ के कहने पे किया। जो माफ करता है वो इंसान होता है। गणेश, मेरा घर नहीं इबादतगाह है, मेरे वालदेन ही मेरे लिए सब कुछ है। ये बात मैं कैसे भूल जाऊँ कि उसी नागिन ने मेरे अबू को डसा था। मैं समझ सकता हूँ। सबसे पहले जब वो तुमसे मिलने आई थी तो तुमसे मोहब्बत करने, तुमसे शादी करने के लिए आई थी। किसी को जान से मारने की खातिर कोई ऐसे आता है क्या? सच बता, वो तेरे दिल में है या नहीं? हाँ, चाहता हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि ये वो राधा नहीं है जिसे शाम ने कभी चाहा था। रुक जाओ बेटे, मेरी बात मानोगे? जाके उस लड़की को ले आओ। मेरी बेइज्जती करने वाले का सिर काटने के लिए तुम तैयार रहते हो ना, उसी तरह इसे भी अपने बाप से मोहब्बत होगी। जांबाजों की जमी पर पैदा होने वाली हर लड़की में हिम्मत होनी ही चाहिए। दोस्त का दोस्त हिम्मती के लिए हिम्मत वाला, दुश्मनों का दुश्मन होना ही चाहिए, पर धोखेबाज को धोखा नहीं देना चाहिए। उस रोज हम मुर्गी को मारने जा रहे थे, ये सुनकर जो लड़की रोई थी वही उसका असली एहसास था। पहले मुझे भी वो लड़की नापसंद थी, लेकिन जब एक खानदान सब कुछ छोड़कर आता है तो वो बेबस हो जाता है बेटा। उनकी बाकी की जिंदगी तो हम उन्हें सुकून से रहने दे। जा बेटा, उसे लेकर आ जा। तुमने मेरी सच्ची मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। बाजारों भी थूक कर चली जाएगी अगर उससे झूठा प्यार करने के लिए कहा जाए तो। अब मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रही। चलो घर चलते हैं, अब्बू ने बुलाया है, चलो घर चलते हैं। ऐसा क्यों किया? हमेशा गलत फैसले लेती हो, मुझे सताती रहती हो। मैं खुद तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, फौरन आइए। तन्हा कहाँ जा रहे हो? हम बगल वाले गांव में जा रहे हैं। किसी को साथ ले लो ना। रहने दे, सब डरे हुए हैं, हम अकेले ही चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी मालिक, भाई के साथ जा और हथियार भी लेके जाना। जी ठीक है। छिपा कर रखना। हमने पता लगा लिया है भाई, इस ड्राइवर को जिसने भेजा है वो तेजस्वर का बहुत खास दोस्त है भाईजान। अबे अकल के अंधो, कहाँ है वो ड्राइवर? वो कहीं हमारे मंसूबे पर पानी न फेर दे, जल्दी दबोचो उसे। क्या रे, हमें धोखा देना चाहता तू? हमें धोखा देगा? मारो उसे। मालिक मालिक मालिक, गुरु भाई को मार दिया, गुरु भाई को मार दिया। मालिक बकवास कर रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा। मालिक Thank you.
मैं उधर कर कम से कम दो लोगों को मार सकता था, लेकिन अगर हमें कुछ हो जाता तो आपको यह सच्चाई कौन बताता, इसलिए हम मजबूर हो गए। बिजली काट देंगे, फोन करने से पुलिस नहीं आएगी, रुतबे का गुरूर है ना। ठीक है, आप सब लोग अपने घर जाइए, मगर सब लोग अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए। हम सबको अपने अपने घर भेजकर इस मुसीबत से अकेले लड़ना चाहते हैं आप? आपको मरने के लिए यहाँ छोड़कर हम अपने घर जाकर सुकून से सो पाएंगे? आपने हमेशा हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उसमें हमारा साथ दिया, आज हम आपको कैसे छोड़ देंगे? इससे पहले कि आपको कोई छुए, उन लोगों को हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। श्याम, गुरु भाई की मौत की तफ्तीश के लिए पुलिस आई है। सबको काट कर रख देंगे, चलाओ चलो 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 किसी को नहीं छोड़ेंगे। भाईजान, हम उसे घर में तो क्या गली में भी दाखिल नहीं होने देंगे। अगर किसी ने भी आपके घर की तरफ कदम बढ़ाया तो हम उसका पैर काट देंगे। भाई, हैदराबाद से लोग ठीक 10:30 बजे आके हम लोगों को फोन करेंगे। जब तक हम नहीं कहेंगे आप अंदर ही रहिएगा। तेजस्वर के मरते ही सब हमारी तलाश में जुट जाएंगे। हम शिवगंगा के गेस्ट हाउस में रहेंगे, तुम वहाँ के शादी के मंडप पे रहना, काम खत्म होते ही तुम वहाँ पहुँच जाना, फिर सब एक साथ चलेंगे। जी भाई, बेहतर। सब लोग जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक। अब्बू, गांव वाले आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर कोई भी आया उसे काट के रख देंगे। चाहे कुछ भी हो, होने वाली लड़ाई से नुकसान तो हमारा भी होगा। जो पैसों के लिए मारपीट करते हैं उनकी बीवियां तो रोएंगी ही ना, लेकिन पड़ोसी भाईजान और चाचा के घर वालों को कौन जवाब देगा अब्बू जान? हम क्या कर सकते हैं बेटा, सरकार और ओहदा उसके पास है, उसका मुकाबला करने के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम चार लोग हैं, हम चार ही काफी हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो कोई बीवी अपने शौहर की मैयत पर रोएगी तो नहीं, लेकिन मरने से पहले उन तीनों को मार कर ही मरेंगे। नहीं बेटे, ये सही नहीं है। फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। हैदराबाद में मेरे एक दोस्त ने मेरे नाम से होटल में कमरा लिया हुआ है। ठीक 10:30 बजे राजेश्वर को मारकर एयरपोर्ट निकल जाऊंगा, फिर मेरा दोस्त कमरा खाली करके एयरपोर्ट आ जाएगा। 1:00 बजे की फ्लाइट से मलेशिया चला जाऊंगा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद वापस लौट आऊंगा। ऐसे पुलिस रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं होगा। मैं बैरूनी मुल्क जाऊं इसलिए आपने मेरा पासपोर्ट बनाया था ना, तब वो काम नहीं आया, लेकिन आज वही मुझे सारी मुश्किलों से बचाएगा। क्या बात है अम्मी, क्यों रो रही हो? 25 साल से अब्बू तलवार लेकर अकेले लड़ रहे थे, तब तो आप नहीं रोई, अब रोना आ रहा है? ये माँ की ममता है ना, अपने बेटे के लिए ऊपर वाले से दुआ करो, रोकर मुझे कमजोर ना बनाओ। बेटा, तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। अम्मी, मेरे बच्चे, तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे बेटा तेरे बिना। हम इनको क्या जवाब देंगे बेटा, तेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा, कैसे रहेंगे, क्या जवाब दूंगी सबको। कहो, मुझे क्या करना चाहिए? आज तक मैं समझती थी कि हर हत्यारे के पीछे सिर्फ खून ही खून होता है, लेकिन आज समझ में आया कि उसके पीछे इतना बड़ा जिहाद है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मुझे पूरा यकीन है कि तुम लौटकर जरूर आओगे। आप ही ने कहा था ना अबूजान, अगर गुस्से वाला इंसान तलवार उठा ले तो वो अच्छा नहीं होता है। किसी की हिफाजत के लिए तलवार उठाना गलत नहीं होता। जनाब, आपके वापस लौटने तक डीएसपी साहब ने आपके साथ रहने के लिए। ठीक है, बिजली के जाते ही फायर स्टेशन में कॉल कर देना, सारे गांव में आग लग गई है। ठीक है, फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गांव में जितनी भी घास है सब जला देना। हमारे बुलाने से पुलिस नहीं आएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले बुलाएंगे तो हमें आना पड़ेगा। और तो और, अहलो अयाल को पक्के मकानों में कर देना। यही बात समझ में? श्याम, मैं भी चलूंगा, मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। आज तक मेरी शादी नहीं हुई ये सोचकर मैं परेशान रहता था, लेकिन आज पता चला कि अगर शादी नहीं हुई तो इसका भी फायदा है। जिसने भी हमारे गुरु भाई को मारा है, जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा भाईजान। श्याम, घर में कोई नहीं है, सब लोग शादी में गए हुए। आज हम लोग खूब मजा करेंगे। मनसूबे के मुताबिक 2 गिरोह में बंट जाएंगे और उनका ध्यान बढ़ाएंगे। 10:30 तो बजने वाले, लेकिन अभी तो कोई खबर नहीं। अरे आएगी आएगी। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बाहर निकल के देखो, पकड़ो उनको, अरे आगे मत आओ, हाथ के करो, पकड़ो पकड़ो, सारे जा पाए, पकड़ो पकड़ो उसे। अपने गांव से यहां तक आने में इतनी देर कैसे लग गई? हाय
हम सब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पकड़ा पकड़ा। तुम उस तरफ देखो, तुम उस तरफ। जाओ। अरे ले यार, बियर पीना। तुम उधर जाओ। हाँ ठीक है। भैया वो फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है चलो हम लोग वहां चलकर देखते हैं। हाँ बोल श्याम, वो पास वाले बाग में है। लगता है समय आ गया है, सब लोग मशाल जला लो। किधर भागता है? ये क्या है भैया, हमारे आने से पहले वो लोग अपना काम कर गए। मेरे मकान के चीख मत, अब तक पूरा नहीं काटा है, सिर्फ खाली छीली है। अगर मेरी बात मानेगा तो जिंदगी मिलेगी, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगा, आई बात समझ में? वरना तुझे बाकियों की तरह काट कर यहीं पर दफना दूंगा। मैं जो कह रहा हूं वही कर। हमने उसे माता के मंदिर में पकड़ के रखा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम? भाईजान जल्दी से आ जाइए। भाईजान आप क्यों जा रहे हैं? अरे हम उसे अपने हाथों से मारना चाहते हैं। अगर आप वहां गए तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लेंगे। एक काम करो, तुम दूसरी गाड़ी लेकर यहाँ पर आओ। ए तुम उधर जाओ और तुम उधर। हाँ तुम यहीं रहना। ठीक है। बद्री, ओए बद्री। चल उठ, आजा आजा आजा, उठ। मेरे अब्बू का सर काटेगा, मेरे खानदान को निस्त नाबूद करेगा। मंत्री क्या बन गया, दौलत क्या हासिल हो गई, जो जी चाहेगा वो करेगा तू। बातिल अगर हक पर हावी हो जाएगा तो ऊपर वाला किस लिए है, इबादत गाह किस लिए है? मुझे मेरा गांव चाहिए, मुझे मेरा खानदान चाहिए, मुझे अपने वालिद चाहिए। आ, 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 आ,
मेरी फिक्र मत करो मम्मी, थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। ए सुनो रे भाईजान आ गए, पटाखे फोड़ो फोड़ो पटाखे। भाईजान हम लोग आपके बिना अधूरे थे,